अस्सलाम वालेकुम सर नुमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर ब्रेन मसाला विद मी तंजीला। आई एम सो हैप्पी, आपसे दो मिनट की मुलाकात हुई थी एंड आई न्यू कि यू आर मोर देन जस्ट अ सिंगर एंड आई एम सो हैप्पी आई एम गेटिंग अ चांस टू नो यू बेटर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आई डोंट रियली कंसीडर माय सेल्फ मच ऑफ एनीथिंग, बट आई एम जस्ट ऑनेस्ट। वी विल फाइंड आउट टुडे, मोस्ट डेफिनेटली, इंशाल्लाह। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, व्हाट इज गोइंग ऑन आजकल, एनीथिंग ऑन योर माइंड, क्या हो रहा है आजकल? वर्किंग ऑन रूम फाइल्स सीजन 3, जो बॉसमैन हमारा एक शो है, बॉसमैन कंपनी है, उसका एक शो है रूम फाइल्स। तो उसका सीज़न 1-2 तो हम कर चुके हैं पिछले दो सालों में, अब तीसरा सीज़न है, उसके ऊपर काम हो रहा है। एंड रिसेंटली वी स्टार्टेड अनदर शो अंडर बॉसमैन, उसका नाम है कोनिचिवा, एंड दैट्स वन सिंगल टेक लाइव म्यूजिक, हाउ इट्स सपोज्ड टू बी, वेरी ओल्ड स्कूल। सो जस्ट कीपिंग माई सेल्फ बिजी विद दैट। मूवी स्टार्ट की थी गलती से बच्चों के लिए, बिकॉज आई थॉट कि इस मुल्क में बच्चों के नशोनुमा के लिए, उनकी तरबियत के लिए कोई फन तरीका नहीं है। ज़बरदस्ती उनको बताते हैं वो जो किताबी बातें होती हैं, बेटा सच बोलो, फलाना करो, बट एक होता है बच्चों को समझाने का, बताने का एक तरीका, एक सलीका होता है। तो मेरा बचपन बहुत मैजिकल था, आई हैड सो मैनी वंडरफुल मूवीज़ टू वॉच, सच ग्रेट कॉन्टेंट टू वॉच, कि उसने मुझे बहुत सिखाया है। मेरी मोस्टली पढ़ाई, लोग कहते हैं ना टीवी मत देखो, मेरी पढ़ाई हुई ही टीवी से है। मैंने मैट्रिक नहीं किया हुआ, मेरे बाप अपने मुझे नहीं पढ़ने दिया, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, एंड बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, तो उन्होंने बोला बस जमा तफरीक आती है, अब आप बिजनेस में आए, लेकिन वो भी नहीं कराया। और मैं आई वॉज ऑन माई वे के मैट्रिक के मेरे फाइनल पेपर्स थे, वो देने जा रहा, उन्होंने बोला आपने नहीं जाना। बट उसके बाद में अगर मैं बात किसी को नहीं बताता तो दे आर अनएबल टू जज कि मैंने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। और मेरी सारी ट्रेनिंग जो हुई है वो बहुत अच्छा कंटेंट देख के हुई है। हम लोग यहाँ पे सोचते हैं यार कंटेंट अच्छा नहीं है, आप देखना चाहें तो मिलेगा, लेकिन आज के ज़माने में नहीं है, आज के ज़माने में हमें करना पड़ेगा। मेरा बचपन बस मैजिकल बस बिकॉज स्टीवन स्पिलबर्ग ने अच्छी मूवीज़ बनाई, बराबर इतनी सारी अच्छी खूबसूरत चीज़ें देखने को थी, तो उसमें एक फ़न तरीके से अच्छा मैसेज मिल जाता है, जिसकी वजह से मेरी मॉरल कंपस बहुत स्ट्रांग हो गई, मेरे एथिक्स बहुत स्ट्रांग हो गए, एंड आई थिंक वो यहाँ लैक कर रहा है। तो जब वो मूवी स्टार्ट की, उसके साथ अचानक से कोरोना आया, और बच्चे तो दो साल में यूँ बदलते हैं, उनकी तो मुझे आ गई, हाय अल्लाह, तो वो सब ख़त्म करना पड़ा। नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट चेंजिंग द स्क्रिप्ट, तो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दैट। दैट इज़ फाइन, क्योंकि वो भी एक एवोल्यूशन है। सर नुमान, यू आर अ सेलिब्रिटी, माशा से यू आर अ सिंगर, आपने पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बहुत अच्छा काम किया, और आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी आपके फैंस को बहुत कुछ मालूम है, और आपके करियर के बारे में भी, आपकी जर्नी के बारे में भी हम सब जानते रहते हैं, बट क्या आपको लगता है मीडिया जस्टिस करता है जब वो आपकी इमेज पोर्ट्रे करता है, जब आपके बारे में बात करता है? सो डू यू थिंक, देखिए मीडिया का आजकल जो काम है दैट्स मोस्टली अबाउट मसाला, क्योंकि मसाला बिकता है। जिस आदमी ने एक बड़ी कंपनी बनाई है, एक चैनल बनाया है, उसका दिल में यही होता है कि यार मुझे एड्स मिले, एड्स मिलता है जो चीज़ कंट्रोवर्शियल होती है या जो चीज़ वायरल हो जाती है, और मोस्टली कंट्रोवर्शियल चीज़ें ज़्यादा वायरल होती हैं अच्छी चीज़ के बनिस्बत। तो कभी कभी वो अच्छा भी पोर्ट्रे करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और वो उस तरीके से उसको पोर्ट्रे करते हैं, बट एट दी एंड आई थिंक कि हम सब लोगों को बहुत वोकल होना चाहिए हमारी शॉर्टकमिंग्स को लेके, हमारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को लेके, एंड देर इज़ नो हार्म एंड देर शुड बी नो शेम इन एडमिटिंग कि हाँ यार यहाँ पे मुझसे इस मौके पे गलती हुई थी। इंसान वही बेहतर है जो गलती करे और उसके बाद उससे सीख के उसको रेक्टिफाई करे और बेहतर हो, लोगों को बताए देखो मैं गलत था, अब मुझे समझ आ गई कि मैं सही हूँ, तो आप भी अगर कहीं गलत है तो आप उसको ठीक कर लें, देर इज़ नो हार्म इन दैट। और लोग बदल सकते हैं वक्त के साथ, चीज़ों के साथ, मेच्योरिटी के साथ, लोगों में एक तहम्मुल, एक ठहराव, एक पेशेंस, और चीज़ें आती हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम थोड़ा ये लाइक रहा है कि आई थिंक नेशनल, इंटरनेशनली तो शायद ये थोड़ा कम हो गया, दैट वी जज पीपल बाय व्हाट दे आर वेयरिंग, इट्स जस्ट लाइक जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर, बट देर इज़ मोर टू पीपल दैट मीट्स द आई, स्पेशली इन माई केस। अब मेरा जो हुलिया है बहुत लावबाली सा है, लंबे बाल हैं जिनका रंग भी अजीब अजीब गोल्डन सा होता चला जा रहा है, आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई। आई वाज गोना आस्क कौन सा वाला कलर है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग शायद मुझसे पूछेंगे, एंड इट्स एक्चुअली लुकिंग नाइस ऑन यू। इट्स जस्ट वेरी नेचुरल, वो कुदरती तौर पे है, बिकॉज़ आई थिंक माय ग्रेट ग्रैंडमदर, नॉट थिंक एक्चुअली शी वाज, माय ग्रेट ग्रैंडमदर वाज अ यूरोपियन, सो आई थिंक दैट जीन्स दे आर कमिंग टू प्ले, तो उसकी वजह से थोड़े गोल्डन हो गए, तो मैं इसका फायदा उठाता हूं। सब लोग पूछते कलर कौन सा करें, कोई कलर नहीं है, बस ओन योर रूट्स, ओन योर हेरिटेज, और सही कलर ऑलरेडी आपके सर पे होगा। मैं आपकी बिल्कुल सारी तमाम बातों से सहमत हूँ। ये शो जो हमने बनाया है ब्रेन मसाला, ये डेडिकेटेड है टू डिसेबिलिटीज़, और मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, जैसे मैं व्हीलचेयर पे मौजूद हूँ, सिर्फ वो मेरी डिसेबिलिटी नहीं है, शायद मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ, वो भी मेरी डिसेबिलिटी है,
लेकिन अक्सर माशरे में भी बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो हमारी मिनॉरिटीज़ फेस करती हैं, और एट टाइम्स काफ़ी एम्पावर्ड लोग भी, जैसे मैं आपको एक बहुत एम्पावर्ड इंसान समझूंगी, आपने अपने टैलेंट को आगे आने का एक ज़रिया बनाया। एक डिसेबिलिटी के लेंस से अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखें बचपन से लेके अब तक, तो आप किस तरह से बयान करेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसी रही है? मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ आई रिगार्डलेस के सम पार्ट्स ऑफ माई चाइल्ड हुड दे वर रियली मैजिकल। लेकिन अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ तो माय मदर, लोग मुस्लिम चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, बट चूंकि आपका शो इस तरह का है कि लोगों को इससे कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, मेंटल डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी के अंदर फोबियाज हैं, डिप्रेशंस हैं, क्लिनिकल डिप्रेशंस हैं, और इन द हीट ऑफ द मोमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग आपसे कोई गलती और चीज़ें हो जाती हैं। फॉर इंस्टेंस के माय मदर एट अ वेरी यंग एज, बिकॉज शी वॉज अ यंग ब्राइड, माई फादर वॉज लाइक 17 एंड माई मदर वॉज 13 व्हेन दे गॉट मैरिड, सो दे वर किड्स, एंड बाय द टाइम माई मदर वॉज 14 शी हैड मी। यू द एल्डेस्ट? आई एम द एल्डेस्ट, यार, एंड माई फादर वॉज 18। तो हमारा तो बहन भाइयों वाला सिस्टम, हाँ जी बिल्कुल, दे वर रियली यंग एंड प्लस दे कम फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, सो ऑफ कोर्स दे वर ऑलवेज लोडेड। तो आपको मालूम है कि जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ जाती है, और इस वक्त के अंदर दे बोथ हैड ईगोज, दे स्टिल हैव ईगोज, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर फाइन, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, खुश रखे। बट माय मदर व्हेन शी वाज हैविंग माय ब्रदर, अपेरेंटली शी गॉट व्हाट यू कॉल इट, उनको रिएक्शन हो गया पेनिसिलिन से, द मेडिकेशन कॉल्ड पेनिसिलिन, वो हर एक को सूट नहीं करती। एंड एट दैट मोमेंट व्हेन शी कुडन ब्रीद एंड शी थॉट दैट शी इज गोइंग टू लूज हर लाइफ एंड व्हाट्स गोना हैपन टू हर चिल्ड्रन, दैट थिंग जस्ट सेटल्ड इन, उनको उस चीज़ का एक ट्रामा हो गया, एंड दैट डेवलप्ड इनटू दिस फोबिया दैट कि वो किसी भी दवाई के करीब नहीं जाती। उन्होंने आज तक किसी दवाई को हाथ नहीं लगाया, दवाई नहीं खाई, चाहे तबीयत जैसी भी है। मैं वही पूछने लगी थी, हमारे घर में कोई आ जाए और उसके हाथ पे बैंडेज हो और वो एक सोफे या इस कुर्सी को हाथ लगा देगा, वो सामान फेंकवा दिया जाता है, वो कारपेट बदलवा दिया जाता है। एंड उस रीज़न की वजह से, बिकॉज हम स्कूल जाते थे, लोगों को मिलते थे, और वहाँ पर आपको मालूम है लोग मेडिकेशन को इतना वो नहीं करते, बट लोगों ने जेब में डिस्प्रिन रखी होती है, कोई और गोली रखी होती है, बॉन्स्टोन एंड स्टफ। तो वी डिड नॉट हैव अ चाइल्डहुड लाइक अदर पीपल वुड, क्या आप गए और आपने अपनी माँ को हक कर लिया, बिकॉज उनको प्रॉब्लम नहीं थे। माय मदर वुड बी थिंकिंग ये स्कूल से आए, इसके पास दवाइयाँ होगी, इसके स्कूल के चलो आए हो, चलो नहाओ, सारे कपड़े चेंज करो, फलाना ये हो, फिर नए कपड़े पहनो, उसके बाद अच्छा बाहर से आए, गंदा है, कोई ऐसा मसला तो नहीं, कहीं से मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा। तो उसकी वजह से शी डिड नॉट ट्रैवल, शी हैज़ अ फियर ऑफ ट्रैवलिंग एज वेल, एंड शी ओनली ईट्स अबाउट तीन तरह के खाने उनके जो फिक्स हैं, जिसमें आई थिंक पोटैटोज़ एंड सम रेड बीन्स एंड मे बी वन अदर थिंग, उसके अलावा और खाना भी नहीं खाती। वो जो ट्रॉमा था वो विद एज एंड टाइम वो इतना बढ़ता चला गया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक बॉक्स में बंद कर लिया। अब मैं उनसे अक्सर डिस्कस करता हूँ कि मुझे भी उनको देख के बचपन में ना अचानक से, अब बच्चे होते हैं आपको समझ नहीं आती, तो कहीं डस्ट होती थी ना तो मुझे भी ऐसे लगता था मुझे आंखों में से पानी आ रहा है, मुझे छींकें आ रही, मेरा नाक बंद हो गया, गला बंद हो गया, और ये, और रिसेस टाइम पे हम स्कूल में जब बच्चे भागते हैं तो डस्ट उठती है, तो वो चीज़ मैं हर रोज़ जाके वो क्या बोलते हैं नर्स के रूम में बैठ जाया करता था, जो भी हमारे वहाँ पर मेडिकल हेल्प थी। तो वहाँ पर अचानक से जब ये तकरीबन एक महीना चला मेरे साथ, आई वॉज लाइक नो आई एम नॉट गोना लिव माई लाइफ लाइक दिस, एंड आई वॉज अबाउट 10-11। तो मैंने क्या किया कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदी जगह थी ना स्कूल की, वहाँ पे डस्ट थी, ग्राउंड्स में अक्सर कहीं से घास उड़ जाती तो उसे मिट्टी और सब, मैं वहाँ गया, मैंने मिट्टी उठाई अपने ऊपर डाली, उसमें लेटा, अपने कानों में भरी, मुंह में डाली, मैं खा गया मिट्टी। मैंने कहा अगर मुझे मरना है, कुछ होना है इससे, आज हो जाए, लेकिन मैं इस तरह नहीं जीऊँगा। उसके बाद से अब आप मेरे ऊपर ला के मिट्टी फेंक दें, आप मुझे दफना दें, मैं उसमें से निकल आऊँगा, मुझे कोई मसला नहीं होगा, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे कहता ना यार इस चीज़ से तुम्हें एलर्जी हो जाएगी, मैं कहता मैं खा के देखूँगा, देखने क्या होता है, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू फेस इट। मैं सबको नहीं ये कहूँगा कि यार आप ये जाके करें, बिकॉज ऑफ कोर्स कुछ लोगों को नट एलर्जी है, किसी और चीज़ के प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऑफ कोर्स, बट कुछ चीज़ें हमारी बनाई हुई हैं, साइकोलॉजिकल हैं, और कुछ हमें लड़ना चाहिए अपने फियर्स के साथ। अगर आपने फियर्स के आगे गिव इन कर दिया तो आई थिंक कि आपकी ज़िंदगी एक डब्बे में बंद होकर रह जाएगी, एंड देर इज़ नो कमिंग आउट ऑफ इट। फाइनली ए आपकी जो मदद कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, वो आप खुद कर सकते हैं, और वो आपको करनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग हार्ट स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ। एंड दैट इज़ एक तरफ ये हुआ। देन जब मैं ग्रोइंग अप, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली,
And at a very young age, I was let go and I was kicked out of the house and I have been living alone since then. तो बहुत Did you want that to happen? आप चाहते थे आप independently रहें या family के साथ ही रहना चाहते थे? I have always been very family oriented guy. I never wanted to be famous. I never wanted to do anything other than के जो मेरे माँ बाप मुझे बोलते थे कि यार बेटा आप ये कर लो तो मैं जी पापा मैं ये कर रहा हूँ जी मामा मैं ये कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता था कि वो बहुत खूबसूरत जिंदगी लाइक आई टोल्ड यू माय चाइल्डहुड वाज मैजिकल एंड आई न्यू एट अ वेरी यंग एज के जो खूबसूरती फैमिली में है वो बाकी ये बड़े हो के बाहर जाके वो सारी चीज़ें करने में नहीं है तो देन आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू डिप्रेशन बिकॉज नाउ एक देखें कि एक बच्चा है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है उसको कोई हुनर नहीं सिखाया बिकॉज वो तो अमीरजादों का बच्चा है तो उसको तो कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है तो उसको तो ऑर्डर देने की आदत है तो व्हेन आई वाज अलोन और मैं एक दोस्त के घर रहा कुछ अर्सा जाके फिर मुझे शर्म आई कि नहीं यार एक हफ्ता हो गया मैं किसी एज तब क्या थी वैसे आई वाज 18 19 आई थिंक फिर जब वहाँ पे हफ्ता दस दिन रहा तो मुझे बुरा लगा फिर मैंने लोगों को कहा यार मैं कहीं और जाके रह रहा हूँ और मैं कहीं बाहर चला गया मेरे पास रहने को जगह नहीं है और मैं सड़कों पर होमलेस रहा हूँ आई रिमेंबर के मेन मार्केट गुलबर्ग में वो जो एक राउंड अबाउट है वहाँ पे मैं रात के वक्त बैठ जाया करता था जब मेरे दोस्त वगैरह स्टूडियो बंद करके जाते थे उसके बाद मैं वहाँ बैठा रहता था गिनता रहता था अच्छा ये है ये वो है मुझे कुत्तों की फैमिली का पता चल गया था यार ये फैमिली कुत्तों की है एक कुत्तों की फैमिली वो है और वहाँ बैठे रहते थे उसके बाद जब दोस्त आता था स्टूडियो में जुगनू अहमर कैनेथ तो उसके स्टूडियो में चले गए तो वहाँ पे जाके कुछ शावर भी ले लिया सब कुछ कर लिया फिर इवेंचुअली आई गॉट दिस जॉब बिकॉज कॉन्फिडेंस शुरू से था बात करने का सलीका और तरीका था और एस्थेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे व्हेन इट केम टू आर्ट्स और इस तरह की चीज़ें तो आई गॉट अ जॉब इन दिस चैनल एक इंडिपेंडेंट कोई चैनल बना था उसके अंदर एंड वहाँ से फिर ग्रेजुअली आई गॉट अ प्लेस जिसमें मैं जाके रहा लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वहाँ पंखा लगा सकता वहाँ पंखा नहीं था वो चौथी पाँचवीं मंजिल पे था फ्लैट एक गंदा सा बहुत बुरा था वो बहुत बुरा था तो वहाँ रहा एंड नाउ यू कैन इमेजिन के छः से आठ महीने मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं पंखा लगा सकूँ बिकॉज आइदर आई कुड ईट फूड गो टू माई वर्क और आई कुड अफोर्ड अ फैन तो फिर मैं वहाँ रहा और छः से आठ महीने बिना एसी के और पंखे के जिया और तब समझ आई इसलिए मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी मौसम हो मैं कहता इट्स ओके बीन देयर डन दैट मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं यार तू तो सर्वाइवर एक मिशन पे निकला हो एक्सपेडिशन होते हैं ना कि वो सर्वाइवल प्रोग्राम्स हैं एक सन पे जो आते थे वो देख जो लिया तो उसके बाद लेकिन उन चीज़ों ने मुझे क्या कर दिया कि डिप्रेशन की तरफ डाल दिया उस फेज के दौरान आपने डिप्रेशन भी महसूस किया शदीद बहुत ज़्यादा एक और वो डिप्रेशन जो था दैट टर्न इनटू क्लिनिकल डिप्रेशन बट आई वाज मैनेजिंग इट बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रांग मैं गलत रास्तों पे चल सकता था बट आई डिड नॉट तो एक मेरी जो मेंटल कंडीशन आ गई ये क्लिनिकल डिप्रेशन वाली उसको मैं फेस करता था मैं किसी से डिस्कस करता तो लोगों को उसकी बात समझ नहीं आती दे कुड नॉट रिलेट क्योंकि उनकी ज़िंदगी के ऊपर उस तरह नहीं गुजरी थी तो दे कुड नॉट रिलेट अगर मैं अभी किसी को यहाँ पे बोलूँ यार कि अक्सर माँ बाप से भी गलती होती है वो भी इंसान है लोग नहीं मानेंगे ओह तौबा तौबा नहीं भाई मैं बुराई में नहीं कह रहा आई एम जस्ट हैविंग अ डिस्कशन मैं माँ बाप के रुतबे को उनकी अजमत को किसी तरीके से ख़राब नहीं करता और तुम उनके सामने उफ तक ना करना इसलिए आज भी मैं अपने माँ बाप के सामने सर झुका के खड़ा रहता हूँ मैं कुछ नहीं बोलता बिकॉज ये उनको अल्लाह ने एक रुतबा दिया है तो मैं कौन होता हूँ उसको ख़राब करने वाला बट हैविंग सेड दैट माँ बाप भी इंसान हैं उनसे गलतियाँ होती हैं हमारी तरह के होते हैं कभी अपने ईगो की वजह से हो जाएगी गलती कभी अच्छाई में भी हो जाती है जैसे अक्सर लोग रिश्ता सोच के करते हैं यार ये अमीर लड़का है इसका था तो बेटी को बहुत खुश रहेगी वो बेटी को मार रहा होता है माँ बाप ने तो अच्छा सोचा होता बिल्कुल, है वो ये नहीं सोचते कि यार ये लड़का इसका किरदार अच्छा है ये चलो गरीब है कोई बात नहीं वो सोचेंगे मेरी बेटी को बेस्ट रिश्ता मिले तो गलती हो जाती है क्योंकि जजमेंट में इन द मोमेंट आपसे गलत फैसला हो जाता है तो आई वॉज गोइंग थ्रू दैट और बीच में हर जो शख्स मेरी ज़िंदगी में था उसने मुझे डिसओन कर दिया जब उनको पता चला कि इसके पास अब पैसा नहीं रहा स्पेशली मेरे वो जो कुछ इर्द गिर्द के लोग थे जिनमें कुछ एक मोहब्बत के एलिमेंट और वो एलिमेंट भी थे गायब हो गए जब उनको ज्वेलरी सेट्स और चीज़ें नहीं मिलती थी तो आई स्टार्ट लिविंग अलोन रहते रहते वो फिर क्लिनिकल डिप्रेशन सेटल इन हो गया अभी भी जो लोग मुझे मोस्टली हंसता हुआ देखते हैं वो इट्स जस्ट अ फसाद इट्स अ फेस डीप डाउन इनसाइड मैं बहुत खामोश आदमी हूँ मैं बात नहीं करता मैं एक कमरे में रहता हूँ 15-15 दिन और मैं बोलता नहीं हूँ बट हैविंग सेड दैट
आपको इससे लड़ना होता है. दुनिया में एक फंक्शनिंग इंसान के तौर पे आना होता है. मैं गलत हो सकता था लेकिन मैं नहीं हुआ, बिकॉज गलत होना बहुत आसान है. ओह इसने मेरे साथ गलत कर दिया, इसने मेरे साथ गलत किया, तो अब मैं दुनिया के साथ गलत करूँगा. क्यों भाई? हाँ जी, आई थिंक स्टार प्लस ने हमको कुछ बड़े उल्टे सीधे सबक भी सिखाए हैं, है ना. कोई हिडन कैमरा है कहीं पर, और कहीं पर कोई बिल्ली की आवाज़ आ रही है. सर मैं एक और चीज़ नोटिस कर रही हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं कि आप हमेशा से बड़े स्ट्रांग रहे हैं. आपको जब ज़रा सा भी फील हुआ है ना कि एक चीज़ मुझ पे हावी हो रही है, आपने उसको उधर ही कंट्रोल किया है. और ये आपकी जो आप अपने वालदा को देखते हुए जिस तकलीफ में वो थी, एंड आई थिंक समवन जिनसे आप इतनी मोहब्बत करते हैं, हम सब अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करते हैं, और जब उनको हम इस हालात में देखें एंड व्हेन वी फील कि शी इज़ मिसिंग आउट ऑन लाइफ, तो वो जो एक तकलीफ है वो तो एक अलग कहानी है आई एम श्योर, जो आपने उस तरह से महसूस की. वो हर वक्त आपके यहाँ पे रहती है यार. वो ये नहीं खा पाती, मैं उनको फिल्म नहीं दिखा सकता, ये उनको यहाँ नहीं लेके जा सकता, उन्होंने नहीं जाना, शहर से बाहर नहीं जाएंगे, वो किसी और इसमें गले नहीं जो लगा सकते, गले नहीं लगा सकते, फलाना ये एलिमेंट है. और इसमें आई कैन अंडरस्टैंड कि उन पर बहुत ट्रॉमेटिक वक्त गुजरा था, उन्होंने उसको फेस नहीं किया, क्योंकि कुछ लोगों के नेचर में नहीं होता किसी चीज़ को फेस करना. कुछ लोगों को इस चीज़ से, जैसे कहते दूध से जल जाता है तो उसके करीब नहीं जाते. मैं अगर जल भी जाऊँगा दूसरी दफ़ा उसको मौका दूंगा, तीसरी दफ़ा भी मौका दूंगा, अगर कोई बात नहीं. मेरी पर्सनल लाइफ भी इसीलिए ख़राब हुई कि मैंने अपने पार्टनर्स को मौके दिए, आपने गलत किया चलो कोई बात नहीं, इंसान है, मिस्टेक हो जाती है. किसी ने कोई बात कही तो मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि मुझे भी लोग अक्सर देख के कहते हैं यार ये तो बहुत पार्टी एनिमल होगा, ये तो ना जाने क्या करता होगा, तो उन चीज़ों को किया. और इस क्लिनिकल डिप्रेशन ने जो मेरे ऊपर सेटल इन किया, उसके रूट्स थे और मैं लोगों से डिस्कस भी करता था, बट वो उसमें कुछ कर नहीं पाते थे बिकॉज वो रिलेट नहीं कर पाते थे. तो लोग मेरी बात सीरियसली किसी ने लिया नहीं, मेरी बात को समझानी. सो आई फेल्ट रियली अलोन. तो आपको कभी मौका मिले कोई आपसे अपनी तकलीफ बयान कर रहा हो तो प्लीज़ जस्ट बी काइंड. अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुने. हम सबको एक आदत पड़ चुकी है इस कॉम को कि हमने अपना बाबा हिट कराना है. वो बाबा मजहब का हो, पॉलिटिक्स का हो, अपनी सोच का हो, अपने बुजुर्गों की सोच का हो, हमने उसको हिट कराना है. बट दैट्स नॉट द राइट वे. आप दिल बड़ा रखें और किसी की बात सुने, और उसके कहते हैं ना कि जहाँ पे वो खड़ा है उसकी जगह पे आके थोड़ा सोचिए कि बहुत सारे लोग बहुत सारे मसाइल से गुजर रहे हैं और हमने ही उनको एड्रेस करना है, हमने ही उनका साथ देना. बेशक, बिल्कुल. और वो जब डिप्रेशन सेटल इन होता चला गया और उसके बाद मुझे बैक स्टैब यहाँ से कोई प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आया, रिश्ते बने, शादी हुई, बैक स्टैबिंग, मुल्क के हालात ख़राब, छोटी बच्ची का रेप, छोटे बच्चे का रेप, कोई कराची के अंदर एक 5 साल की बच्ची को उसके वालिद के साथ जला दिया गया एक बस में, और मैं सारी रात बैठ के उसको सुन के रोता रहूँ यार. यानी कि आप इतने बड़े लेवल पर भी जब कोई खबर होती है उसको आप इंटरनलाइज करते हैं. मैं आई एम एन आर्टिस्ट ना, मैं कुछ कर नहीं सकता. मुझे वो चीज़ अपने जिस्म में महसूस होना शुरू हो जाती है, मुझे उस बात की तकलीफ होती है. और मैं सोच रहा हूँ कि यार एक बच्ची है, एक वालिद अपनी औलाद के लिए जान देना पसंद करेगा. बच्चे के लिए माँ बाप ऐसे होते हैं जैसे खुदा है, बिकॉज वो खुदा को जानते अपने माँ बाप के थ्रू. बच्चे के जहन में खुदा अक्स लगता है, यू नो कि बाप का अक्स जो है वो बस अल्लाह ही है, जमीन के खुदा होते हैं हमारे वालिदैन जो है. तो वो बच्ची के जहन में होगा मेरे ज़मीन के खुदा मुझे बचा ले, और वो बाप जो उसके लिए किसी को मार सकता है मर सकता है वो कुछ नहीं कर पाया. दोनों उस वैन के अंदर जल के मर गए, और मैं सारी रात इसमें परेशान रह गया यार ये कौन लोग हैं, ये किस तरह कर जाते. तो ये सारे डिप्रेशन इकट्ठे होते चले आए कि इस हद तक पहुंच गया मैं कि मैं आदम बेजार हो गया. मुझे किसी भी जगह से पॉजिटिव नहीं मिल रही थी, हर तरफ मुझे सिर्फ भेड़िए नज़र आ रहे थे कि यार हर शख्स अपने बारे में सोच रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो किसी और के बारे में सोचे. क्या आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते? तो उस दिन मैंने दुनिया को तलाक दी. And I did something very stupid. I tried to end my life. Depression आपको यहाँ तक पहुँचा देता है. Depression आपको इस जगह पहुँचा देता है कि you try to end your life, which is wrong. And I should not have done that. और उसके बाद अल्लाह ने बचा लिया. And जब मैं बचा तो उसके बाद मुझे चीज़ें कुछ क्लियर हुई. अक्सर मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि यार एक बार मरना ज़रूरी था तो शायद उसका फ़ायदा हो गया. तो उसके बाद भी जो मेरी पर्सनल लाइफ में चीज़ें आई, बट By then I knew how to handle it. And also जो the second failure of my marriage, it's just kind of broke me inside. उसने इतने बुरे तरीके से तोड़ा कि मैं शदीद मजबूत हो गया, कि अब वो जज्बात ही नहीं रहे जिनके वजह से मैं डगमगाता था, जिनकी वजह से मुझे तकलीफ होती थी.
which in a way is a good thing, but I think it's wrong. It's also wrong क्योंकि क्या आपको लगता है कि अब वो दोबारा जज्बात किसी और इंसान के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि I think ये एक loss है. इंसान है. आपको लगता है ऐसा? आप डरते हो कि यार दोबारा से मैं इतना वॉनरेबल हूँ, बिकॉज जब आप किसी रिश्ते में होते हैं तो आप वहाँ पर शदीद वॉनरेबल होते हैं. एक शख्स आपके बारे में सब कुछ जानता है, आप उसके अंदर एक एक क्या बोलते हैं उसको, नेक नियति के साथ गए होते हैं. फिर जब वो चीज़ नहीं वर्कआउट करे तो देन यू स्टार्ट थिंकिंग यार सब बुरा है, बट सब बुरा नहीं है, हर शख्स बुरा नहीं हो सकता. और अक्सर लोग बुरे नहीं होते, वक्त और हालात बुरा होता है. एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती या चीज़ों की समझ नहीं आती. प्रॉब्लम ये आ गई कि हम लोग बहुत इम्पेशेंट हो चुके हैं. हम चाहते हैं कि हर चीज़ का हल अभी निकले, ये मैं अभी आ गया हूँ तो ये अभी हो जाए. लेकिन पेशेंस रखनी पड़ेगी. अभी जिस समय मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया, आई हेट एक्सरसाइज, आई हेट वर्किंग. अच्छा, व्हाट डू यू हेट अबाउट इट? बोरिंग. इट्स रियली बोरिंग. इट्स बोरिंग. यू थिंक सो? बोरिंग है. जिम के अंदर सामने खड़े के अपने आप को शीशे में देख के क्या वैसे? हाँ, बोरिंग है. तो सी दोस रिपीटिशंस एंड ऑल, इवन आई फाइंड देम टू बोरिंग. ठीक है, आप उसको इंटरेस्टिंग. इसी वजह से मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया. एटलीस्ट मुझे वो बोरिंग उस तरह नहीं लगे कि चलो कॉम्बैट स्पोर्ट है तो स्पोर्ट्स बन गई, इसके अंदर चलो आप कुछ इंजॉय कर सकते हो. तो आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट. बट मैं कहने का ये चाह रहा था कि अब एक्सरसाइज का जो पहला दिन होता है बहुत तकलीफ दे होता है, उसके अगला वाला दिन उससे ज़्यादा तकलीफ दे होता है, तीसरा दिन और तकलीफ दे होता है, वो जो हफ्ता 10 दिन है वो बहुत तकलीफ में गुजरते हैं. बट देन यू स्टार्ट गेटिंग एग्जैक्टली. तो पेन मैनेजमेंट और आपके दुख गम इन सब की एक मैनेजमेंट का तरीका है. आप पहले आपको बहुत होगी, फिर आपने उसको एक्सेप्ट करना है, फिर उसके अब सेकेंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फिर ग्रेजुअली उसको, फिर एक वक्त आएगा कि जस्ट लेट गो. बिल्कुल, आपको लेट गो करना पड़ेगा. रिगार्डलेस कि आप किसी से कितनी भी मोहब्बत करते हैं, एक दिन उसने चले जाना है. चाहे वो आपके साथ सारी ज़िंदगी रहे, 70 साल की आपकी शादी साथ चलेगी और एक दिन आप में से एक चला जाएगा, तो आपको लेट गो करना पड़ेगा. सर नुमान, आपने अभी रिलेशनशिप्स के बारे में बात की. आजकल की जो हमारी यूथ है, माई सेल्फ इंक्लूडेड, हम लोग रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं. चाहे वो रिलेशनशिप हमारे सिबलिंग्स के साथ हो या हमारे पेरेंट्स के साथ हो, इवन इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द राइट पार्टनर. लड़कों का जो क्राइटेरिया है टू फाइंड अ पार्टनर वो बहुत डिफ़िकल्ट है और डिफरेंट है. लड़कियों का भी जो क्राइटेरिया है वो भी बहुत इम्प्रैक्टिकल है, और जहाँ पे शादियाँ हो रही हैं वहाँ पे टूट भी रही हैं. आपकी जो जर्नी रही है, यू हैव गॉन थ्रू सर्टेन एक्सपीरियंसेस एंड दैट हैज़ शेप्ड यू एज अ पर्सन. हाउ मच डू यू थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड यू इन मेंटेनिंग योर रिलेशनशिप्स, और कितना रिस्पॉन्सिबल रही है आपकी पास्ट लाइफ इन अनफॉर्चुनेटली ब्रेकिंग योर रिलेशनशिप्स? अगर हम पहले बात करें कि आजकल जो प्रॉब्लम चल रहा है, आई थिंक कि हम सब लोग ना इस चीज़ पे बहुत आगे कि इस रिश्ते का मुझे फ़ायदा क्या हो सकता है. रिश्तों में फ़ायदा नहीं होता, रिश्ता तो दिल का होता है, प्यार का होता है. कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो यूज़लेस होते हैं, मतलब कि वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं एज अपोज टू प्रॉब्लम सॉल्व करें, बट आपके दिल को अच्छे लगते हैं इसलिए आपके साथ होते हैं. तो आपने जो रिश्ता बनाया उसको बना के चले. और अगर आप ये सोचेंगे यार मुझे शादी इसलिए करनी है या इसलिए करना है कि अमीर है या फलाना ऐसे मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा, तो वो रिश्ता नहीं चलेगा. बिकॉज ATMs के साथ मोहब्बत नहीं की जाती, आप ATMs के साथ प्यार नहीं कर सकते. ATMs आर देयर कि आपको पैसा मिले, उसका एक अपना काम है. तो जब हम रिश्तों को भी ये सोचें कि यार ये एक बैंक है और इससे मुझे ये फ़ायदा मिले, इससे मेरी ज़िंदगी में ये फ़ायदा, इससे मेरी ज़िंदगी में ये हो, मैं रिश्तों में मैं तो होती नहीं, हम होता है. और रिश्ते में अगर आप बहस करेंगे और आपको लगता है कि आपने बहस करके वो बहस जीत ली, तो आप जीत जाते हैं, वो रिश्ता हार जाता है. रिश्तों में बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग होती है. आप अच्छा ये टूट गया, चलो कोई बात नहीं यार, नया आ जाएगा. अच्छा ये मसला हो गया, चलो यार नेक्स्ट टाइम ये नहीं हो, यार तुम्हें समझ नहीं आती, यार सॉरी यार, दैट्स इट. रिश्ते ऐसे चलते हैं. और मेरे जो एक्चुअल रिश्ते हैं, मेरे सब स्कूल के दोस्त के साथ मेरे आज तक रिश्ता है. हमारा ग्रुप्स है, हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं. मेरे जितने पुराने दोस्त हैं सब पुराने हैं, नए दोस्त जो बनते हैं वो भी कुछ सालों बाद पुराने हो जाते हैं. मेरी दोस्तियाँ ख़त्म नहीं होती. इसी तरह मेरे बाकी रिश्तों के साथ भी है कि किसी ने मेरे साथ गलत भी कर दिया, कभी सोच समझ के गलत हो जाता है, कभी मौके पे गलत हो जाता है, तो मैं माफ़ करता हूँ, छोड़ता हूँ. सबके साथ अच्छा रिश्ता बना के चलता हूँ. अफसोस वहाँ होता है कि जहाँ आपने एक रिश्ता बनाया, स्पेशली इसमें मेनली पार्टनरशिप की आप बात करते हैं, वहाँ पर अगर आप ये सोचें कि इस शख्स से मुझे फ़ायदा होगा, तो ज़्यादती वाली बात है, आपको ये नहीं करना चाहिए. दूसरा, रिश्तों के जो हमने पैरामीटर्स रखती हैं, जिसके ने मेनली आ गया जॉब, बिजनेस, ठीक है, लाइफस्टाइल एंड ईज ऑफ लिविंग, तो आई एम सॉरी, आपने ज़िंदगी इंस्टाग्राम पे नहीं गुजारनी, ज़िंदगी आपने घर में गुजारनी है. इंस्टाग्राम पे आप पिक्चर लगा सकते हैं. अगर आप किसी के सोचे कि मैं इससे शादी करूँगा या करूँगी और हम लोग घूमने जाएँगे और हर रोज़ बाहर की चीज़ों की पिक्चर्स लगे, हे बबी
ये चल रहा है, तो दैट्स नॉट अ रिलेशन, दैट्स जस्ट गोइंग टू एंड वेरी सून. और रिश्ता चलाने के लिए इट्स ऑल यू नीड टू हैव इज पेशेंस. पेशेंस के बिना नहीं चलेगा. और अगर आप ये सोचें कि अक्सर लोग यहाँ कहते हैं यार उसने मेरे बारे में ये बात कर दी, मेरा दिल टूट गया. क्यों यार, मैं कमरे से बाहर निकलता था, मेरे माँ बाप मेरे खिलाफ़ बातें करना शुरू कर देते थे. अभी मैं उनके साथ जाके माँ के साथ बैठता था, दूसरे भाई या दूसरी बहन के बारे में बातचीत. इट्स जस्ट अ वे ऑफ वेंटिंग. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों ने बात करनी है तो उसको दिल पे क्यों लगाना है. अक्सर लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, उसने मेरे वो मेरे वाले चल मेरे बारे तुम कौन हो यार, तुमने भी कल मिट्टी हो जाना, तुम जो मर्जी कर लो, तुम जो मर्जी कर लो, तुमने नहीं रहना. ये फैक्ट है, दिस इज़ इनएविटेबल, ये होगा. तो फिर किस बात का गरूर है, किस बात का ये कि यार मैं हु आर यू, आप जितने भी बड़े हैं आपसे बड़े और हैं, और जो उनसे बड़ा उनसे भी बड़ा कोई और है. तो इस दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए. और रिश्तों के लिए आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लव योर पार्टनर्स, हैव रिस्पेक्ट फॉर देम एंड बी पेशेंट एंड बी गिविंग. अगर आप सिर्फ ये सोचें कि रिश्ता इस तरफ पे इस टर्म्स पे चल जाएगा, रिसीविंग रिसीविंग रिसीविंग, नहीं, गिव एंड टेक, इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक. एब्सोल्युटली. अच्छा, एक क्राइटेरिया मेरा भी है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो काफ़ी सीक्रेट क्राइटेरिया है, बट आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू एंड ऑल माई व्यूअर्स एंड लिसनर्स. मैं अगर किसी इंसान को परखूँ कि इफ़ दिस पर्सन कैन बी माई पार्टनर, तो अक्सर मैं इमेजिन करती हूँ कि अगर मैं इस इंसान के साथ इतनी गरीब हो गई हूँ कि हम सड़क पर बैठे हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही एप्पल है, तो वो माहौल कैसा होगा. अगर मुझे फील होना कि बहुत मज़ा आ रहा है, वी आर हैविंग द टाइम ऑफ आर लाइफ एंड इट्स नॉट द रोड, ये तो हमारी नज़र में एक पार्क और एक पिकनिक चल रही है. आई थिंक दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू पिक माई पार्टनर. क्योंकि एसी वाले कमरे में तो सभी खुश होते हैं, लेकिन इफ़ यू कैन फील दैट हैप्पीनेस इमेजिनिंग एक्सट्रीम पावर्टी पेन डिस्पेयर एंड यू विद दैट पर्सन, आपको फिर भी खुशी मिल रही है, आई थिंक आई वुड लाइक टू स्पेंड माई लाइफ विद दैट पर्सन. दैट्स अ वंडरफुल थिंकिंग, बिकॉज मैंने बहुत सारे एसी में बैठे हुए लोगों को रोते हुए देखा है, खुश नहीं है. उनके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, दे आर नॉट दैट रिच, दे आर जस्ट मेकिंग देयर एंड्स मीट, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर हैप्पी. माशाल्लाह. आई हैव नॉट सीन पीपल मच हैप्पियर देन देम, एंड येट आई हैव सीन पीपल विद मिलियंस इन देयर अकाउंट्स एंड बिलियंस दैट दे ओन, एंड दे आर अनहैप्पी, दे आर जस्ट अनहैप्पी, बिकॉज वो खुद से खुश होना नहीं चाहते. वो चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए और वो नहीं बदले, और ऐसा नहीं होगा. यही प्रॉब्लम हमारा है कि ये कॉम में भी हम बात करते हैं कि यार चीज़ें ठीक नहीं हो रही, फलाने वो ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट ये कर रही है. भाई गवर्नमेंट जो कर रही है कर रही है, पॉलिटिशियंस जो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप टैक्स नहीं देते, आपको जब मौका मिलता है आप रिश्वत दे के अपना काम करा लेते हैं, आप लाइन में नहीं खड़े होते, आप सिग्नल की पाबंदी नहीं करते, आप वक्त पर चीज़ें नहीं देते, आपको जितने पैसे आपने मांगे उतने का पैसे दो, आप दाढ़ी रख के भी भाई आप वो काम पूरा उस तरीके से नहीं करके देते, तो गलत आप. तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी. हम और आपने नोटिस किया है कि इन सब कामों में एक तो दिली खुशी बहुत होती है, बरकत होती है. अगर आप लाइन में खड़े हुए अपना काम ठीक तरीके से करें तो आप एक्चुअली अच्छे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, और आपको घर पहुंच के खुशी होती है. Exactly. कि मैंने नेकी कमाई है, मैंने सही तरीके से किसी को धक्का नहीं दिया, मैंने कोई चुगलखोरी नहीं की, या मैंने कोई रिश्वत नहीं दी, तो आई थिंक आपकी रूह को भी सुकून मिलता है. बिल्कुल मिलता है. और आई थिंक हम सब पे एक जिम्मेदारी है, बिकॉज मैं कोई अमल अपनी ज़िंदगी में करता हूँ तो आई एम सेटिंग एन एग्जाम्पल. हमें खुद को सही करके एग्जाम्पल सेट करनी है ताकि नई आने वाली नस्ल को ये चीज़ समझ आए. जब नई नस्ल देखेगी कि बड़े रिश्वत दे रहे हैं, सिग्नल पे नहीं खड़े हो रहे, कूड़े का सामान बाहर निकाला और उधर फेंक दिया, तो दे आर गोइंग टू फॉलो देम. उनको लग रहा है कि अगर कोई बहस हो गई कहीं पर, बच्चे किड्स आर लाइक स्पंजेस. बिल्कुल. और वो हर चीज़ अपने अंदर ऐसे खींच लेते हैं कि आप सोच नहीं सकते. लोग सोचते हैं चिल्ड्रन आर नॉट वाइज, यू हैव नो आइडिया व्हाट चिल्ड्रन आर केपेबल ऑफ. तो उनके लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल सेट करें कि अगर झगड़ा भी हो जाए तो उसके भी तरीके हैं. यार ये हो गया और निकलते साथ ही थप्पड़ मार के गालियाँ देना शुरू कर दे तो तरीका नहीं है. आप गाड़ी से बाहर निकले, गाड़ी टकरा गई, यार आप ठीक है, सबसे पहले आप अगले से पूछे यार आप ठीक हो, अच्छा जी क्या हुआ था, ठीक है मैं यहाँ था आप गया था, चलिए कोई मसला नहीं. ऐसा करते हैं कि अथॉरिटी को बुला लेते हैं, अगर कोई चीज़ चेक करनी है, मैं गलत हुआ तो मैं आपका नुकसान भर दूंगा, आप गलत हो, लेकिन बहस करने की जरूरत नहीं. हम यहाँ पे निकलते साथ ही लाज उतरी थी, मतलब अब सही कह रहे हैं. और ये जो एक्सपेक्टेटर एरिना क्रिएट हो जाता है, जो एक्सीडेंट हुए बस लोग खड़े होके उनको देखना है कि अब क्या होगा. आई थिंक सबको लाइव थिएटर देखने का बहुत शौक है. वो देखने का शौक है क्योंकि हम लोगों ने अपने लोगों की मेंटल ट्रेनिंग खराब कर दी है. इट्स एक्सटेंडेड ग्रोथ. हमने उनको लकीर का फकीर बना के चंद एक डब्बों में कैद कर दिया और उसी में ज़िंदगी गुजारते हैं. जो भी शख्स है वो अपनी मेंटल डिसेबिलिटी से नहीं लड़ रहा,
वो लोगों को कह रहे हैं कि तुम गलत हो, तुम ठीक हो जाओ, और ख़ुद पे फोकस नहीं कर रहा, आप सिर्फ ख़ुद पे फोकस कीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंज की। ओके, सो आप बात कर रहे थे कि जब आप मुलाकात करते हैं, जब बातचीत करते हैं अपने फैंस के साथ, तो दे सी मोर देन अ सिंगर और अ म्यूजिशियन, उनको एक दोस्त मिलता है, एक मेंटोर भी मिलता है बातचीत करने के लिए। मुझे आप बताएं आपकी एग्जैक्टली पावर क्या है और आप किसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, लाइक हाउ डू यू वांट टू यूज योर पावर टू चेंज द वर्ल्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक आई हैव नो पावर। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट। अब आप जवाब दे लें। लेट्स से जितनी भी है, आई जस्ट वांट पीपल टू बी रियल। दुनिया बहुत दुख में है और बहुत सारे दुख हमारे खुद के बनाए हुए। जैसे हम मेंटल इलनेसेस की बात कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी खुद की क्रिएट की हुई है। जैसे अगर आप अपनी ज़िंदगी पे शर्त आयत कर देंगे कि यार मैं, मुझे फ़ोन चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए तो आईफोन ये वाला फलाना जो 3.5-4 लाख रुपए का फ़ोन है। इट्स अ फ़ोन। आजकल बहुत 15-20 हज़ार रुपये में फ़ोन पे स्क्रीन होती है, वीडियो आप देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह चलता है। तो बी रियलिस्टिक अपनी एक्सपेक्टेशंस में भी। हाँ, बड़ी सोच रखिए, अल्लाह पर ईमान रखिए, अल्लाह गफूर रहीम है, आपको कभी भी कितना भी नवाज सकता है, बट आप अपनी एफर्ट्स कीजिए, उसको अपने पर मुसल्लत ना कर लीजिए। तो अक्सर लोग आजकल अपने ऊपर हर शर्त को मुसल्लत कर लेते हैं कि घर हो तो बहुत बड़ा हो, अच्छी बात है, आप कोशिश कीजिए अल्लाह आपके नसीब में करे, आपको मिले तो मिले, लेकिन उसकी शर्त ना आयद कीजिए। तो उसकी वजह से डिप्रेशन्स बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गए। आज की जनरेशन इतनी डिप्रेस्ड है कि मुझे मालूम नहीं था, इवन दो कि मेरा बचपन में बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी। लाइट जाती थी तो माय मदर यूज़ टू स्क्रीम, उनको लगता था खुदा ना खासा जैसे वो कब्र में है, क्योंकि वो खौफ इतना तारी हो गया, वो जो रिएक्शन का था कि उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता। तो लाइट जाती थी तो मैं क्या करता था, हर रोज़ रात को, क्योंकि रात को 2 बजे करीब आधे घंटे घंटे के लिए लाइट जाती थी, मुझे याद है। तो और उस ज़माने में UPS वगैरह का इतना कोई सिस्टम था नहीं, जनरेटर्स थे लेकिन उसको चलाने में भी टाइम लगता है, सारी चीज़ें हैं। तो मैं क्या करता था, रात जागता रहता था। अब ये लोग सो जाते थे, मैं स्कूल भी जाता था, तो जब सब लोग सो गए और मैं रात को बैठ के अपनी मूवी देख रहा हूँ या कार्टून्स देख रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, और ये मुझे पता चला कि जी 10 मिनट रह गए हैं 2 बजने में और अभी लाइट जाएगी, मैं 10 मिनट पहले नीचे आके ना उनके दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता। ऐसे कि जैसे ही वो चिल्लाएं, मैं उन्हें बता दूँ लाइट गई है, और ये सुन के फिर वो इजीली सो जाया करती थी। तो मैं और उठ के मैं नाम भी मेरा लिया करती थी, तो अचानक से मुझे बुलाती तो मैं वहाँ जाके यूँ खड़ा हो जाता था जैसे ही लाइट जाती थी, और ऐसे लाइट गई है और शी इज़ अ वेरी लाइट स्लीपर, तो अचानक से वो चिल्लाती थी, तो मैं उनको कहता लाइट गई है, सब ठीक है, वो सोते रहे, मैं वापस आ जाता। तो ये वाली सब चीज़ें थी, बट फिर भी डिप्रेशन ऐसे नहीं थे। पेरेंट्स के बीच में अनबन थी बिकॉज उनके अपने ईगोज़ बहुत ज़्यादा थे, होते हैं बड़ों में, उनकी अपनी चीज़ें होती है, कभी नहीं अंडरस्टैंडिंग हो पाती, तो वो चीज़ें भी थी, उनको भी हैंडल करते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन की तरह हम लोग डिप्रेस नहीं थे, बिकॉज स्कूल जाते थे, वापस आते साथ ही हम कुत्तों की तरह खेलते, मतलब कोई क्या खेल सकता है जो हम खेलते थे, बॉस। क्या बात, कोई क्या खेल सकता है जो हमने खेला, सुनाए सबको। हाँ। निकलें बाहर अपने कमरों से, छोड़े फोन, जिंदगी गुजारते ना, ये आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, मैं भी यूज करता हूँ सेलफोन, लेकिन एक तरीका है, आप उस पर इंजॉय करें उसके, लेकिन जिंदगी जो उसमें गुजार रहे, कुछ लोग तो यहाँ रख के देखते हैं, मुझे तो दिखता भी नहीं है, आई हैव सीट फ्रॉम हियर। तो वहां से वापस आए, होमवर्क मैं स्कूल में करके आ जाया करता था, टाइम नहीं था इतना टाइम नहीं है, घर पे वापस आ गए नहीं पढ़ाई करने का बोर्ड। वर यू अ गुड स्टूडेंट? वैसे आई वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। क्या बात, इसलिए मुझे कभी टेंशन नहीं, मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं की, मुझे हर चीज़ टीचर ने यूँ बताया, यूँ याद होगी, अगले दिन जाके पेपर दे दिया, खत्म। मैं वही पूछने की थी, आपने कहा आपने मैट्रिक तक पढ़ा है? नहीं पढ़ा मैंने, नहीं पढ़ा, आपने कंप्लीट नहीं किया, नाइन्थ क्लियर किया, लेकिन कभी आपको एट सम पॉइंट फील नहीं हुआ कि मैं वापस जाके पढ़ाई तो कंप्लीट करूँ अपनी? जब कोई एक चीज़ डिरेल हो जाए, कहीं भी ट्रैक ख़राब हो जाए, उसको वापस आने में बहुत वक्त लगता है। मेरी पढ़ाई हुई है लेकिन वो एक डिफरेंट तरह की पढ़ाई है जो मैंने खुद से की है। हाँ। मैंने हर चीज़ को पढ़ा सीखा, म्यूज़िक का मुझे अलिफ बे कुछ नहीं आता था, मैंने सब लर्न किया। फिल्म मेकिंग में कुछ नहीं आता था, मैंने सब खुद से लर्न किया। मैं सेल्फ टॉट म्यूजिशियन, सेल्फ टॉट फिल्म मेकर, वो तो हमको मालूम है। लिखने में भी आई एम सेल्फ टॉट एवरीथिंग, बिकॉज जब सीखने का ज़माना था तब तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो आके खेलते थे फुटबॉल, क्रिकेट, मार्शल आर्ट्स, फिर कारी साहब से पढ़ना, फिर उसके बाद एकेडमी का भी कोई सीन हो गया था, कभी गए कभी नहीं गए, स्कूल भी बहुत कम जाया करता था, मैं बहुत ही कम स्कूल जाता था क्योंकि हमारी फैमिलीज में इतना कोई टेंशन नहीं थी स्कूल जाने का, छड़े यार आज की करना जाके, आज धूप बहुत ज़्यादा है, आज मैं दौड़ में, जब मैं स्कूल जाता था मेरे दोस्त कहते थे यार क्या बात है आज मान जाओ स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन। तो इट वॉज़ फन, यस इट वॉज़,
डिफिकल्ट एज वेल एट टाइम्स बट इट वॉज फन. लेकिन आजकल की जो स्ट्रेसेस हैं वो मैन मेड, खुद की बनाई हुई स्ट्रेसेस कि ओ मेरे कपड़े ये नहीं है, हमें पता नहीं होता था, माँ बाप ने जो लागे दे दिया पहन लिया, जो भी है ठीक है यार, नहीं मुझे तो ये चाहिए, आज के ज़माना ये है, फलाना हुआ, बाल यू बनाने हैं, मुझे मेकअप करना है, मेरी उम्र 16 साल है, मुझे लिप फिलर्स चाहिए. मतलब सीरियसली यार, हमारी बहनों को पता नहीं होता लिपस्टिक क्या चीज़ है. तो आपका जो जहन था ना वो इवॉल्व हो रहा था एक डिफरेंट डायरेक्शन में, क्योंकि यू आर यूजिंग इट टू अटेन क्रिएटिविटी, एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल स्किल्स. मेहनत करनी पड़ती थी ना, मूवी भी देखनी है तो पहले इंतजार करना है कि अभी रिवाइंड होगी कैसेट प्लेयर के अंदर, वीसीआर, इसको रिवाइंड करते जल्दी. तो फिर मैंने दो वीसीआर रखे होते, एक रिवाइंड करने के लिए अलग, एक पे मूवी देखने के लिए. तो जैसे हम लोग पापा के साथ जाके मूवीज लेके आते थे, सब मूवीज को लगाते थे रिवाइंड होने पर कि मुझे रिवाइंड नहीं करनी पड़े. तो हम लोगों ने हर चीज़ लड़ के सीखी है, करके सीखी है, आसान नहीं था. इन बच्चों के लिए तो आजकल बहुत आसान है, एंड आई एम ग्रेट कि आज के बच्चे के पास वो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास कभी नहीं थी. हमें पढ़ना पड़ता था किताबें ला के, वो टेल मी व्हाई की बुक्स, और विकिपीडिया नहीं था, गूगल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था. 17 था, अगर किसी का नंबर चाहिए तो 17 पे कॉल करते थे. तो हमें हर चीज़ की कोशिश करनी पड़ती थी, किसी का अगर कहीं पर कोई अफेयर भी बन गया तो उसने ऊपर जाके तारे लगा के अलग से फोन को. वो जमाने कहाँ चले गए. तो अब तो बहुत इजी है, यू बैठो फेसबुक पे. इट्स सो इजी, एंड आई थिंक इसी वजह से रिलेशनशिप में वो चार्म नहीं रहा. exactly. क्योंकि मुझे बड़ा लगता है कि बुके देने का भी जो कॉन्सेप्ट था ना, वो था आप खेतों में गए हैं, आप जाके फूल तोड़े हैं, आपने उसका गुलदस्ता बनाया है, फिर जाके दिए. अब तो यू सेंड एन इमोजी, इट हैज बिकम वेरी. हमारा रिश्ता अब हमारे सेल फोन्स के साथ बहुत अच्छा है, और अगर आपने किसी के बारे में हकीकत जाननी है तो उसका सेल फोन देख लें, आपके सामने वो शख्स बरहना हो जाएगा बिल्कुल. ये सेल फोन्स ऐसी चीज़ है, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, बिल्कुल, मैं वो बैलेंस रखना चाहिए. करने वाला आदमी नहीं हूँ कि नहीं यार हमारे वक्तों में तो ये होता था. नहीं भाई, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, बिल्कुल. हमसे पहले वालों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसमें हम पैदा हुए थे, और हमसे जो आगे वाले पैदा हुए उनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है. तो आपको वक्त के साथ साथ बदलना है, बट टेक्नोलॉजी को खुद पे सवार करके उसके गुलाम ना हो जाएं. अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी रखें. ये जो प्रैक्टिकल मिलना मिलाना है, मिलनसारी, ये आपको बहुत सारी डिप्रेशन से, बहुत सारी चीज़ों से बचा के रखता है. बिल्कुल. तो इसकी वजह से हमारा वक्त गुजर गया. आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ, आई फील बैड फॉर देम, दे आर नॉट लिविंग देयर लाइव्स, दे आर जस्ट, दे हैव बिकम व्हाट यू कॉल अ स्लेव. आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, एंड आई थिंक ऑल्सो चूँकि मेरी डिसेबिलिटी है ना, फिजिकल डिसेबिलिटी, तो जब मैं किसी पार्क में खेलने भी जाती थी तो मुझे उस गेम को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ता था. बट उन चीज़ों की वजह से मैंने सीखा कि अच्छा, अगर मैंने खुद की लाइफ को मॉडिफाई किया, अब मैं किसी और की हेल्प कैसे करूँ. तो आई थिंक मेरे बैरियर्स ने, जो मेरी व्हीलचेयर के साथ पैदा हुए, उसी ने मुझे सब कुछ सिखाया. क्योंकि हमारे माशरे में ना रोल मॉडल डिसेबिलिटी के बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन आपने जैसे बताया मुझे, बहुत सारे लोग हैं जो डिसेबिलिटी का शिकार हैं, उनके घरों में लोग हैं, और ख़ुद को वहम में डालना, मेंटल इलनेसेस, ये भी डिसेबिलिटी में आती हैं. आपने अपनी वालदा के बारे में हमको बताया, और आज मुझे बात पता चली कि आपके हाथ भी शेक करते हैं. हाँ, बचपन से मेरे हाथ काम. लेकिन ये इंसान कोई भी चीज़, ये कोई भी नोटिस नहीं कर सकता अगर आप बताएं ना, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट मुलाकात में बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था. लेकिन ये चीज़ आपकी लाइफ में बैरियर नहीं बनी. नहीं, बिल्कुल बैरियर नहीं बनी. देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर लोगों को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये शर्त नहीं है कि आप जो चाहो आपको मिल जाए. आपने, वो कहते हैं ना कि यू कैन ओनली प्ले द कार्ड्स दैट यू आर डेल्ट, कि आपके सामने जो पत्ते आपको बांटे गए हैं आपने उन्हीं में गेम खेलनी है. आए तो कुछ लोग उसको कहेंगे यार तो जुओं की बातें कर रहे हैं. नहीं भाई, इट्स जस्ट अ गेम. जुआ किसी भी चीज़ पर हो सकता है, पैसे लगाएं उस पर, विच इज़ रॉन्ग. तो आपको ये समझना है कि यार किसी को किसी चीज़ में एडवांटेज मिल गई, किसी को डिसएडवांटेज मिल गई, लेकिन जिसको डिसएडवांटेज मिली है ये उसको ओन कर ले. आपको एक कुदरत की तरफ से डिसएडवांटेज मिल गई लाइफ के अंदर, आप उसके लिए बेटर भी हो सकती थी, सैड भी हो सकती थी, आप और हर वक्त रोती चली रहती, लेकिन यू मेड समथिंग ऑफ इट. ठीक है, ज़िंदगी आपके लिए उस तरह आसान शायद ना रही हो जैसे मेरे लिए या किसी और के लिए रही है, बट यू मेड योर मार्क, यू वेंट अगेंस्ट द टाइड्स, अगेंस्ट द ऑड्स, एंड यू मेड समथिंग ऑफ योर लाइफ. इसी तरह मुझ पर डिप्रेशन आया और मैं इस चीज़ों को फेस करता रहा, और मैं सबको ये बताता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा वीक हूँ. मैं जेन्युइनली आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रांग पर्सन. मुझे स्ट्रांग रहना पड़ता है बिकॉज अंदर बहुत वो मासूम सा, एक डरा हुआ सा बच्चा है.
तो उसको बचाने के लिए मुझे उसके आगे एक आर्मी खड़ी रखनी पड़ती है, एक मजबूती की, एक इस तरह की, हाँ यार कोई मसला नहीं देखी जाएगी। तो बहुत सारे लोग स्ट्रांग हैं, और अगर वो अपनी डिसेबिलिटी को लेकर रोते रहेंगे और ये करेंगे कि यार उसके पास हुआ है, तो किसी को देख के, किसी का मुँह लाल देख के आप अपने मुँह पर चपेड़े मार के लाल नहीं कर सकते। तो जस्ट बी ओके विद व्हाट यू हैव बिल्ट अप ऑन इट, उस पर आप मेहनत कीजिए, उसको बनाइए। किसी को मेंटल डिसेबिलिटी है और बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने कंट्रोल में हैं। मुझे याद है कि अचानक से मेरे पापा के कज़न थे, जो कि हमारे भाइयों की तरह थे, हमें उनसे बड़ा प्यार था। होते ना, आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़ा भाई होता है, किसी सेंटा क्लॉज टाइप रिलेशनशिप, उनके साथ रिलेशन होता है, यार ये आएंगे, यार वो बोले गोगा भाई आएंगे तो हम ये करेंगे, फलाना करेंगे। एंड वन सैड डे ही पास्ड अवे इन अ कार एक्सीडेंट, him and his brother, and not in a car accident actually. he was murdered, yes. Oh my goodness. Rich, yes. But the other brother died in a car accident. I'm so sorry to hear that. So I was about 8-9, and all of a sudden when I heard the news, to mujhe psychologically na aise mehsoos hua ki jaise mera saans band ho gaya, because traumatic khabar thi ki goga bhai ke sath ye ho gaya. एंड ऑल ऑफ द सडन आई वॉज फीलिंग कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है। एंड एट दैट वेरी मोमेंट जब मैंने अपनी मदर को ये बोला, तो उनको शायद उस बात की समझ नहीं आई, उनको रिएक्शन इस चीज़ के अंदर था, लेकिन वो चीज़ मेरे हक में किस तरह रही सही कि उन्होंने मुझे डांट दिया, बकवास मन कर, ये क्या कर रहे हो तुम, ठीक हो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जब बोला तुम ठीक हो, आई वॉज ओके। अब उस चीज़ को मैं लेके वहाँ गिर जाता, और मेरी माँ मुझे कहती हाय मेरा बच्चा तेरा सांस रुक गया है, वो जिस तरह एक ओवर एक्टिंग मदर्स भी कुछ अक्सर होती हैं फिल्मों को देख के बनी होती हैं। बी ए प्रैक्टिकल मदर, बी ए प्रैक्टिकल पेरेंट। बिल्कुल, फिल्मी और किताबी माँ बाप बनना, औलाद बनना, बहन भाई बनना आप छोड़ दें ज़िंदगी में, किसी के काम नहीं आएगा, किसी के काम नहीं आता, आप सिर्फ totally लोगों को ख़राब करते हैं। आप रियलिटी की बात करें कि कुछ नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग, यू आर फाइन एंड आई वाज फाइन। अगर उस वक्त मुझे सीने से लगा कि हाय मेरा बट्टा और यूं मेरे बालों को कर लेती, तो आई थिंक मैं सारी ज़िंदगी उस तरह ही रोता रहता, उसी तरह कोई भी खबर देख के, वो बुरी चीज़ सुन के मुझे एंग्जाइटी शुरू हो जाती। बिल्कुल, तो उन्होंने मुझे ठीक कर दिया बिल्कुल इन दैट मोमेंट, और उन्होंने रियलाइज़ भी नहीं किया कि वो सही कर रही है, क्या कर रही है। वो चूँकि फ़ोन पर बात कर रही थी, शी वॉज ट्रामाटाइज हर सेल्फ, तो उन्होंने सिर्फ गुस्से में मुझे डांट दिया और बोल दिया कि तुम्हें कुछ नहीं है, लेकिन दैट स्टक विद मी। तो उस चीज़ को आप देखें कि हमें अपने प्रॉब्लम से, अपनी चीज़ों से खुद लड़ना है, और बहुत सारी चीज़ें हम खुद कर सकते हैं। किसी की मेंटल डिसेबिलिटी है, किसी को फिज़िकल है, तो ऑफ कोर्स अब आपके पास जो है वो है, बिल्कुल ऐसे ही आपने उसी में खेलना, आप उसमें रो के खेल सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वही आपके लिए बेहतरीन चॉइस होती है, वही बेहतरीन गेम प्लान होता है, या ऐसा ऐसा मेरे लिए भी अनफोल्ड हो रहा है। जैसे आपने एक लम्हे की बात की, आई एम श्योर आपकी लाइफ में बड़ी ज़बरदस्त कारमा स्टोरीज़ भी होंगी, बहुत सारे लोग थे उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आज आप एक कामयाब गुलकार हैं, एक फिल्म मेकर हैं, और आपकी सबसे बड़ी कामयाबी पता क्या है कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं, जिससे बात करते हुए मुझे बहुत कम्फर्ट फील हो रहा है, और मुझे फील हो रहा है कि मैं आपसे किसी भी मौजू पर बात कर सकती हूँ, और आप भी मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। आई थिंक ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, और माशा से यू हैव दिस, क्योंकि मैं कोई चीज़ छुपा नहीं रहा ना, मैं वो स्टार नहीं बनता, मैं एक इंसान हूँ, मेरे प्रॉब्लम्स हैं आपके भी, लेकिन हम काफ़ी स्टार स्ट्रक्ट हुए हुए हैं, छुपा रहे हैं, लेकिन हम हुए हुए हैं, नुमान जावेद इज इन द हाउस, तो हम थोड़े से, इट्स जस्ट माय जॉब, मैंने कभी भी इसको ऐसे नहीं लिया कि मैं कोई चीज़ हूँ। बट यू आर डूइंग दिस जॉब प्रीटी वेल, एनी गुड कार्मा स्टोरीज यू कैन टेल अस? एनी गुड कार्मा? हाँ बहुत सारी हैं। मैं कराची में 2011 में अगवा हुआ था, जब वो बहुत हालात ख़राब थे कराची के, और वो बोरीबंद लाशें दिल्ली की 10-11, ओह माय गुडनेस, तो What happened? कुछ भी नहीं, मैं ARY जा रहा था इंटरव्यू देने के लिए, और आगे उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था, मेन रोड था, मंदा मेरी सड़कों से नाजमाबाद की साइड से निकले, तो सामने से मैंने देखा लोगों का हजूम आ रहा है, हेलो तो सामने से लोगों का ना हजूम भागता हुआ आ रहा है, ये पता नहीं क्या मसला होगा। तो हजूम, हमारी गाड़ी यूँ जा रही है और लोग यूँ आ रहे हैं, तो जब हम आगे पहुँचे और लोग हमारे इतने से हजूम चला गया, तो सामने से कुछ 7 बाइक्स के ऊपर ना दो दो लोग बैठे हुए थे, और वो आए, पीछे वाले लड़कों ने गन्स पकड़ी हुई थी, आगे वाले बॉयस बाइक चला रहे थे। अब हम चूँकि इस तरफ जा रहे थे, हम रिवर्स भी नहीं कर सकते, पीछे हजूम था, तो गाड़ी वहाँ उन्होंने रोक ली, और एक बॉय ने बोला आगे से आके मारते मारते गाड़ी में मारते। तो हमारे साथ वो जो था ड्राइवर था, वो हमारे पठान भाई थे, तो उसने बोला यार भाई फायरिंग ना करना, ARY की गाड़ी है, मीडिया की गाड़ी है,
तो उन्होंने गुस्सा किया, गालियाँ निकाली, तुम्हारी ये हो हमारी वीडियो बना रहे, फलाना कर रहे हो, यूँ कर रहे हो। तो मैं गाड़ी से नीचे था, मैंने कहा भाई तुम्हारी कोई वीडियो नहीं बना रहा, मैं नुमान जावेद हूँ, हम लोग जा रहे हैं एयर वाई इंटरव्यू देने के लिए, मॉर्निंग शो है और ये पीछे मेरा गिटार और ये चीज़ें पड़ी, बाकी आप लोग देख लें क्या करना है। इतनी देर में वो ड्राइवर किसी को फ़ोन करने लगा, तो उन्होंने उसके फ़ोन छीना मारना शुरू कर दिया। मैंने उनको रुका, भाई क्यों मार रहे हो? वो फ़ोन कर रहा है इसीलिए कि आपको कंफर्मेशन दिला दे, वो आपकी कंप्लेन नहीं कर रहा, बैठो बैठो गाड़ी में, साथ चलो हमारे, चले चल पड़ते हैं। अब मुझे इन चीज़ों में डर नहीं लगता, मुझे एक्चुअली इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने क्योंकि हाँ, काफ़ी डरा देने वाली सिचुएशन तो है। मुझे एक ना मूवी में देख रहा था, उसमें था एक डायलॉग था कि व्हेन आई विल गो टू माय ग्रेव माय हेड विल बी हाई। और हर चीज़ के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है, आप मगर मर भी रहे हैं, आप हंस के मर सकते हैं, आप रो के मर सकते हैं, तो मैंने व्हाई नॉट। और मुझे वैसे भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं, मुझे मालूम है कि दुनिया ख्वाब की तरह है, बिकॉज जितना वक्त मैंने गुजार लिया आई हैव नथिंग टू प्रूव कि वो एग्जिस्ट करता था। जब हमने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की उस वक्त से लेके अभी तक का जो पिछला वक्त है वो पास्ट है, दैट कैन नॉट बी रिपीटेड, इट कैन बी कैप्चर्ड एज अ मेमरी हमारे ब्रेन में इस कैमरा में, बट उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है, इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग दैट आई कैन होल्ड। तो गाड़ी में बिठा के ले गए हमें वो, और वहाँ पे कह रहे हैं भाई आप लोगों में से जो लोग क्लियर हो जाएंगे वो चले जाएंगे, बाकी जो नहीं है उसको ये रख देंगे। मैंने कहा भाई बात सुने, मोबाइल्स ले लिए हमारे सारा कुछ, मैंने कहा देखो यार अगर तो तुम मार दोगे तो इट्स फाइन, लेकिन अगर तुम मुझे जाने दोगे तो बाकी चीज़ें रख लेना, मुझे मेरा वाइट वाला सेल फोन दे देना, उसमें मेरे सारे नंबर हैं। तो यू नो वो आदमी आगे से क्या कहता है, कहता है नुमान भाई टेंशन ना लें, हम आपके फ़ैन हैं, आपको कुछ नहीं होता। तो जब फिर उसके बाद जाके इन्होंने बिठा दिया वहाँ पे हमें, फिर मैंने उनको एक और बात बोली, मैंने कहा देखो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई पैसे मिलेंगे मुझसे, ये मेरा ATM कार्ड है, सिर्फ यही पैसे हैं, ऑल योर्स, मुझे कोई मसला ही नहीं है, लेकिन और कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं अरे क्या बात कर रहे हैं नुमान भाई, और बताएं चाय पियेंगे बात है, हाँ नो डाउट कॉन्सर्ट्स में भी आ रही हूँ ये वो लड़के थे। उन्होंने फिर मुझे चाय पिलाई, तो जिन्होंने मुझे अगवा किया उन्होंने मुझे चाय पिलाई और मुझे उंगली भी नहीं लगाई। उसके बाद मेरे गिटार, मेरा लैपटॉप, मेरे दोनों मोबाइल फोन्स, मेरा ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेरा जितना कैश था सब मुझे वापस दे के उस गाड़ी में जिसमें हम आए थे हमें वापस भेज दिया, सुभान अल्लाह, कुछ नहीं। और आपको बताऊँ ये वाक्य ना इस वक्त वो भी बैठ के कहीं पर सुना रहे होंगे कि हम मिले एक सिंगर से जो एक सेलिब्रिटी हैं और उन्होंने ऐसे बर्ताव किया हमारे साथ कि ये लो मेरा ये सेल फोन या ये लो मेरा ATM कार्ड, एंड आई थिंक यू ऑल्सो चेंज देयर लाइफ रिलैक्सिंग है ना, चिल था। क्योंकि मुझे वो जो हमारे साथ खान साहब थे वो थोड़ा परेशान हो गए, क्योंकि बीवी बच्चों वाले लोग होते हैं, घबराते हैं कि मेरे बाद क्या होगा, और एक ड्राइवर की जॉब कर रहे होते हैं तो कितना कमा लेते होंगे, तो टेंशन में होते हैं, तो वो थोड़ा घबराए होते। मैंने उनको ये बोला क्या देखें आप कलमा पढ़ें, अल्लाह को याद करें, अगर मुझे मारा तो आपको भी साथ मार देंगे, आपको कुछ किया तो मुझे कर देंगे, और हमें जाने दिया जाने देंगे, अल्लाह की ताकत बड़ी है। कहते अब तो हम नहीं बचेंगे इसे। मैंने आप अल्लाह के आगे आप नहीं जानते कि क्या होगा। कहता आजकल कोई नहीं बच रहा। मैंने आप नहीं जानते, आप कैसे कह सकते हो हम मर गए, अभी तक आप जिंदा हो ना, आप कैसे कह सकते हो हम मर गए, क्या हो सकता है हमें 15 मिनट बाद जाने दें, लेकिन 15 मिनट बाद नहीं, 1.5-2 घंटे बाद जाने। और फिर उसके बाद चाय आ जाती है, जहाँ पे मौत का खतरा फील हो रहा है वहाँ पे चाय आ रही है। अच्छा इट वॉज नॉट फंटास्टिक, इट वॉज नॉट, बट आई होप टी एट ब्रेन मसालाज सेट एट ए स्टूडियो वॉज फंटास्टिक। अच्छा कर्टेसी ऑफ सोफिया। सर नुमान अगर आप एक कलर होते, एक रंग होते तो कौन सा रंग होते और क्यों? मैं अगर रंग होता आई वुड हैव बीन ट्रांसपेरेंट। रंग होता तो सही, नहीं नहीं इतना इजी भी ना करें, अब आप बताएं मुझे क्या रंग होगा। मेरा फेवरेट कलर है एमरल्ड ग्रीन। ओह गॉड ये तो कुछ ज्यादा ही हैवी जवाब आ गया, ट्रांसपेरेंट से एमरल्ड ग्रीन। अगर कोई फेवरेट कलर पूछे तो मैं वो कह सकता हूं, लेकिन नहीं, नॉट योर फेवरेट कलर। इफ यू एज नुमान जावेद वुड हैव बीन अ कलर तो आप खुद कौन सा रंग होते? No color, and I'm being very honest about it. I think you have colors. I maybe have a color palette or something, but I don't think that I personally I would want to be a color because जब आप एक रंग के हो जाते हैं फिर आप एक ही रंग के रहते हैं। हाँ लेकिन कभी कभी इंसान की ऑरा का एक रंग होता है। यू कैन थिंक अबाउट इट, इंशाल्लाह जब आपको सीजन 2 में बुलाएंगे तो फिर हम आपसे पूछेंगे, है ना? I'll give you this takeaway question. I would also like to know कि आपने मीडिया से जो कंटेंट अवेलेबल था 90s का बहुत कुछ सीखा है, अगर आप हमें कुछ रिकमेंडेशंस दें, एनी पर्टिकुलर फेवरेट मूवी, सॉन्ग, बुक, और अगर कोई जगह अगर आपने वहाँ पे ट्रैवल किया है वो भी हमें रिकमेंड करें। ग्रोइंग अप जिन मूवीज़ का मुझ पे बहुत इम्पैक्ट रहा, जिन्होंने
जिंदगी मेरी बदली, उसमें एक शख्स का नाम मैं डेफिनेटली लूँगा, दैट्स जैकी चैन. एंड समहाउ आई थिंक आई एम ए स्टूडेंट इवन दो आई हैव नेवर मेट हिम, जस्ट बिकॉज के जैकी चैन की एक बात बहुत खूबसूरत है, डायरेक्टर भी खुद, एक्टर भी खुद, स्टंट कोऑर्डिनेटर भी खुद, एडिटर भी खुद, कभी कभी हीरोइन भी खुद, कभी कभी हीरोइन भी खुद. फिर ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. एंड और वो कहता है यार जो मैं करता हूँ वो आप भी कर सकते हैं, फ़र्क सिर्फ कितना है कि आप में कितना सब्र है. कि एक शॉट को करने के लिए अगर मुझे 100 टेक करना पड़ता है मैं करता हूँ, कि ये इस तरीके से नहीं हुआ. आप में उतनी हिम्मत है तो आप भी वो उस तरह ही जैकी चैन बन सकते हैं अगर आप वो 100 टेक्स कर लें. मुझ में और आप में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मैं हार नहीं मानता. तो वो चीज़ मुझे ना स्टक कर गई जहन में कि अगर एक आदमी ये सब कुछ कर सकता है तो इसका मतलब है कि आपने कुछ करना है, तो आप उस पर लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, आप कर पाएंगे. वो था. एंड सेकेंडली जिस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बुक. बुक में कौन सी थी वो, उसका नाम था, अच्छा वियर्डली हम इंसान ना किसी ऑफ सी चीज से कोई और सबक ले लेते हैं. बिल्कुल, बेशक नहीं होता कि कोई वो फिलोसॉफी की ही कोई चीज हो, फिलोसॉफिकल चीज ही हो तो उसे आप सीखेंगे. बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है. आई थिंक लेकिन आपको पता है किस इंसान के साथ होता है जिसकी नजर सीखने वाली होती है, दे आर लुकिंग टू लर्न समथिंग. सो जरूरी नहीं है कि जो प्लॉट है उसी से बंदा सीखे, वो ईची बीची डिटेल में से भी कोई ना कोई सबक अपने लिए निकाल लेता है. आई थिंक एक मूवी थी ट्रेमर्स आई थी एक मूवी, हाँ जी, जो वो बलाएं निकलती हैं जमीन से, उसका बहुत शदीद इम्पैक्ट था मेरी जिंदगी पे. आई स्वेर मुझ पे खुद, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स आई एवर सॉ. बट डिड इट स्केयर यू? नो इट डिड नॉट. ओ माय गॉड, इट स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी. आई कुडंट स्लीप एट नाइट. मैं अपने पेरेंट्स के बीच में सोना शुरू हो गई थी, दो आई वाज अ ग्रोन अप एंड आई वाज लाइक आई कांट स्लीप. ये रजाई में से भी निकल आएगी. और अगर सोते हुए उनकी टांग हिलती थी ना, रजाई थी चुकी, तो वो फीलिंग वो याद नहीं थी. सो दैट्स लाइक वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मूवीज. एंड मुझे वो इतनी मैजिकल लगी थी, वो जो आई थिंक मैं फिल्म मेकर सिर्फ उस मूवी की वजह से बनना चाहता हूँ. लोग बहुत ज़्यादा बोलेंगे यहाँ पे, आएंगे पढ़े लिखे, हाँ मैंने तो शॉशैंक रिडेम्पशन देखी थी यार, मैंने तो वाली बड़ी मूवी देखी थी. नहीं, इट जो छोटी चीज़ आपको जिस तरह इंस्पायर करती है ना, वो बड़ी चीज़ जिसका एक्चुअली मकसद होता है आपको इंस्पायर करना, वो शायद इंस्पायर नहीं कर पाती. बिल्कुल, वो आपको एक बात बता देती है कि मैं बड़ी हूँ तो मेरे बारे में बात करोगे तो लोग इज्जत करेंगे. वो सिर्फ आपके ईगो को एक बूस्ट देती है. लाजवाब बात. हाँ, तो वो एक किस्म का ना फैशन बन जाता है दैट यू हैव टू टॉक अबाउट इट. लोग पढ़ते हैं यार ये शायर हैं, गालिब को पढ़ा है आपने, फैज अहमद फैज फलाना. मुझे जिस शायर ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया था टू राइट, दैट वाज सागर सिद्दीकी. एंड ही वाज नॉट अ फेमस शायर एट ऑल, बट आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग, आई कुड रिलेट. वो क्या था कि एक उनका शेर था, मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐप छुपा रखे हैं. क्या बात है, that's very nice. That thing just really hit me and I was what, 9 years old, 8 years old back then. And you were that young and you could interpret it well. Because वो सस्ती में मिलती थी ना, वो गालिब तो समझ ही नहीं आते थे ना, 8-9 साल के बच्चे को गालिब क्या समझ आएगा, इकबाल क्या समझ आएगा. इकबाल, इलामा इकबाल सर को तो मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ. डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. यस, और फैज अहमद फैज तो आप छोड़ देना, भूल जाए उनको कि आप कैसे समझेंगे. और आपने ट्रैवल भी बहुत सारा किया आई एम श्योर. सो कोई एक ऐसी जगह, किसी ऐसे मुल्क में आप गए हों और आपको लगा हो कि वाकई में ये जो मुल्क है ना, इधर आके मुझे ये फीलिंग आई है. अच्छा, उसमें 2 से 3 जगह हैं. जिस चीज़ पर मैं सबसे ज़्यादा खुश हुआ अपनी ज़िंदगी में, बहुत इन्जॉय किया मैंने, वो जब मैं कलाम गया था, जब मैंने बंजारा अपना वीडियो खुद ही से अपने सेल फोन पे शूट कर लिया था. इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल, इट वाज जस्ट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. और दूसरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जब मैं स्कर्दू गया था, तो जो उसका एयरपोर्ट पे हम लैंड करते हैं ना, तो वो पहाड़ों के बीच में, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. लेकिन कलाम ने मुझे एक डिफरेंट तरीके से इंस्पायर किया. एंड उसके बाद आई थिंक टर्की और दुबई. टर्की इसलिए क्योंकि उसकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू रही है, उसकी बहुत सारी, उसके साथ आपको, अगर आप हिस्ट्री बफ हैं तो आप उस चीज़ को इंजॉय करते हैं. प्लस द वे दे लिव, ईस्ट एंड द वेस्ट कमिंग टुगेदर इन हार्मनी, तो वो एक तरीके से रहे. बट दुबई मुझे इसलिए पसंद रहा, इवन दो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बट दुबई का मुझे सलीका, तरीका, डिसिप्लिन वो बहुत पसंद है. एंड आई थिंक के
देखिए इस्लाम को हम ना अक्सर यहाँ पे आई थिंक कंट्रोवर्शियल बात है नहीं करनी चाहिए, बट देन अगेन कोई तो करे, बात सिर्फ इतनी सी है कि वो भी एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पे हर चीज़ का एक बैलेंस है, हम हर चीज़ का बैलेंस लेके चल सकते हैं बिकॉज हमारी भी मुस्लिम कंट्री है और लोग कहते हैं, बट यहाँ पे हर तरह का गलत काम भी होता है, छुप के होता है, बंद कमरों में होता है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं कहाँ कहाँ क्या 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 नहीं होता। दुबई का ये है कि जिस तरह होना चाहिए कि आ हमारा बनता है किसी पे किसी को दावत देना, दावा करना कि यार ये गलत काम है ना कीजिए, एज़ लॉन्ग एज़ वो मुआशरे को ख़राब नहीं करता, आपके लॉस को ब्रेक नहीं करता, उसके अलावा अगर कुछ कर रहा है तो उसका और अल्लाह का मामला है, उसमें नहीं बोलना। दुबई में वो चीज़ है कि आप मुआशरे में गलत ना कीजिए, आप फितना ना फैलाएं, आप स्टेट के अगेंस्ट ना जाएं, आप फलाना ना करें, बट वहाँ पे क्लब्स भी हैं, वहाँ पे हर चीज़ है, जिसने जो करना है वो कर रहा है बिकॉज एट द एंड लोग अपने सवाल जवाब के खुद ही वो अपनी चॉइसेस खुद करते हैं और अपने लिए अकाउंटेबल है और उन्होंने तरीका बनाया है हर चीज़ का कि अगर छोटा सा ठेला किसी ने लगाना है तो उसको भी उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए, उसके भी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हम लोगों ने अपने लोगों को पढ़ने नहीं दिया, अपने लोगों पे फोकस नहीं किया, अपने लोगों को शऊर नहीं आने दिया, हम लोग वही भेड़ चाल चलते जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ इनको। और पाकिस्तान हैज़ एवरीथिंग, लाइक लिटरली यू सेड, रेत चाहिए आपको तो सहरा मिल जाएंगे, आपको पानी चाहिए तो दरिया और समंदर मिल जाएंगे, आपको जो चीज़ चाहिए मिल जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? मेंटल डिसेबिलिटी। इनकी मेंटल डिसेबिलिटी है कि मेरे पास पैसा आ जाए। नाउ मेंटल डिसेबिलिटीज़ के अंदर आपके नार्सिसिज्म भी है, उसके अंदर आपका मेगलोमेनियक, ईगोमेनियक्स, ठीक है, सोशियोपैथ्स, फिर आपके क्लिनिकली डिप्रेस लोग, फिर आपके उस तरह के लोग हैं जो कि क्रिमिनली क्लिनिकली वो होते हैं, प्रोन टू यू नो हर्ट अदर पीपल, उनको तकलीफ देने में खुशी मिलती है, ये भी एक डिसेबिलिटी है क्योंकि ये इतनी अननेचुरल बात लोग है, समझ नहीं पाते। अभी रिसेंटली एक लड़की का जो मर्डर हो गया बेचारी नूर का, और अल्लाह उनको जस्टिस दिलवाए और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। अब उसमें क्या था, वो आदमी क्या ईगोमेनिया की होगा, मैग्लोमेनिया की होगा, मेरी बात मानो, रिजेक्शन का प्रॉब्लम के मुझसे मैनू इनकार करता है, मुझे ये नहीं किया, और अगले की आपने गर्दन काट के फेंक दी, यार कुछ शर्म लिहाज होती है। बिकॉज लोगों की मेंटल डिसेबिलिटी ये होती है कि उनको दूसरों पर जुल्म करके मज़ा आता है, पावर का एहसास होता है, पावर का एहसास होता है, जिसकी वजह से ये लोग रेप वगैरह करते हैं, उनको उस चीज़ का मज़ा आता है, किसी के चिल्लाने पर उनको खुशी मिलती है। अब ये बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ भी हैं, इनको हमने ख़ुद से फेस करना है। ये चंद एक मेंटल डिसेबिलिटीज़ में अक्सर कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी हैं कि अगर आप लॉजिकल हैं और रैशनल हैं आप उसको फेस कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लग रही है पहले आप एक्सेप्ट करें कि यार मुझ में प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई मानता ही नहीं मुझ में प्रॉब्लम है, हर शख्स राइट होता तो फिर रॉन्ग कौन है, किसी एक को तो गलत होना पड़ेगा ना यार, ये तो नहीं हो सकता कि सब सही हो, जब सब सही होते तो फिर ये होता। तो आप माने कि फर्स्ट, वो कहते हैं ना, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज दैट यू एडमिट दैट यू हैव अ प्रॉब्लम, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो आपको मानना पड़ता है, जैसे मैंने माना कि हाँ यार कुछ जगह पे मेरा भी टेंपर लूज होता है, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत ही लवी टवी आदमी हूँ, मुझे जब कोई गलत बात सामने आती है तो मैं डिफरेंट पर्सन, आई एम वेरी मच केपेबल ऑफ स्टैंडिंग माई ग्राउंड एंड एक्चुअली गिविंग यूर रियली रन फॉर योर मनी। तो मैंने उसको कम किया, उन चीज़ों को ऐसा काम डाउन किया, फिर इस चीज़ पे ज़िद के यार, ज़िद्दी इसलिए कि यार मुझे चाहत है इस चीज़ की कि हो जाए क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। अचानक से रियलाइज़ किया यार तुम्हारा मकसद सिर्फ ये है कि तुमने जो कर सकते थे वो कर दो, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दो। जिस दिन ये मान लिया उसके बाद से मैं चिल हो गया। ये फॉर्मूला इतना बेहतरीन है ना, जो आपने भी अप्लाई किया और आपको रिजल्ट्स भी मिले उसके। रिजल्ट क्या मिला मुझे? ये नहीं कि मुझे कोई नाम मिल गया, पैसा मिल गया, मुझे सुकून है। सुकून मिल गया, और आई थिंक सबसे बड़ी सक्सेस का जो मेट्रिक है ना वो सुकून है, और ये बात हम नहीं समझते, स्पेशली जो यंग लोग हैं ग्रोइंग अप। आई थिंक अपने टीन्स में मुझे भी था, मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँ, बहुत सारे मैं अमीर और फेमस लोगों से मुलाकात करूँ, उनके साथ डिनर करूं या बातचीत करूं और वो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाए। बट नाउ एट दिस स्टेज आई डोंट थिंक दैट्स अ मेट्रिक ऑफ सक्सेस एट ऑल। मुझे लगता है घर जाकर अपनी वालदा से बात करना और वो मुझे कहें कि तुम लेट आ गई हो, जिस दिन उन्होंने ये कहना छोड़ दिया ना, आई एम अ फेलियर दैट डे। अपनी मैं नीस के साथ खेलूं, वो मोहब्बत से मेरी गोद में आए, अब मेरे लिए जो कामयाबी है ना वो ये रिश्ते हैं, अच्छे लोगों से मुलाकात करना, अच्छा खाना मिल जाए, आई थिंक चाहे किसी घर का हो या किसी रेस्टोरेंट का हो। मुझे लगा कि दुनिया की जो दो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं ना, उनमें है एक माँ की गाली और माँ का थप्पड़, ये एक जिंदाबाद, बाप की क्या बात है, दाद जो होती है, हाँ जी बेहतरीन, बिल्कुल, इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें नहीं है। उसके बाद आपकी फैमिली है, औलाद वगैरह आएगी, बट आई थिंक
कि जिन लोगों को इस बात की समझ आ जाती है ना, उनकी अगली चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं. और आप मेंटल डिसेबिलिटीज़ हमारी यहाँ तक पहुँच गई कि लोग शादी करके लड़की को लाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, और उससे अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस होती हैं. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जिस तरह मैंने पहले बात बोली कि किताबों के माँ बाप, किताबों के वो बहन भाई, उनको, फिल्मी बहन भाई को छोड़ें, प्रैक्टिकल लोगों की बात करें, तो जो एक इंसान है, हर इंसान के कुछ लिमिटेशंस हैं, किसी की शॉर्टकमिंग्स हैं. मुझे कोई चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ आती है, किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आती, और उसको जो समझ आती है वो मुझे नहीं आती. जैसे मुझे नंबर्स की बात आएगी ना, यार नहीं हो सकता मुझसे म्यूज़िक की बात कर लो, मुझे गाना बनवा लो, एक दिन में 10 बनवा लो, लेकिन मुझसे मैथ नहीं कराओ, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं समझ आता. कुछ लोग उसमें बहुत बेहतरीन है, वो गाना नहीं बना सकते. तो एक दूसरे की चीज़ों को समझें, एक दूसरे का साथ दें, अपनी मेंटल डिसेबिलिटीज़ को परखें. मैंने अपने ऊपर काम किया है, मैं सोचता रहता था, मैं अकेला बैठ के सोचता हूँ कि यार मुझ में क्या क्या मसाइल हैं. अच्छा, ये कोई किसी ने ये बात बोली कि तुमने किया, अच्छा मैंने वाकई किया तो नहीं, सोचना शुरू हो जाता है किया है किया है. फिर रियलिस्टिक होकर सोचा कि नहीं यार, अगर मैं किसी और सिचुएशन में खड़ा, कोई मेरे सामने यूँ कर रहा हो तो क्या वो सही है? नहीं यार, मैंने गलत किया, मैं गलत था. जिस दिन मैंने वो मान लिया ना कि मैं गलत था, उसके बाद ये चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई. अच्छा, आपकी ये जो जर्नी रही है, आपकी जो एवोल्यूशन हुई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एंड आई थिंक इसमें सबसे बड़ी बात आपके अपने कैथारसिस की है कि बड़े टाइमली यू पिक्ड अप कि आई नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चॉइसेस आई एम मेकिंग, और अगर मुझसे गलती हुई है तो पहले तो उसको मानना है, फिर सुधारना है. अब थोड़ी सी बात करते हैं आपके म्यूज़िक की. आपका म्यूज़िक माशा से लाजवाब है, एंड आई कीप ऑन सेइंग दिस कि आपके गाने मेरी प्लेलिस्ट पे थे जब मैं ओ लेवल्स के एग्ज़ाम दे रही थी, और जो उस टाइम पे मेरा पसंदीदा गाना था जो आपने गाया था वो था सांसे गवाह है. सांसे गवाह है वो बहुत प्यारा गाना है. और आजकल जो गाना मेरी प्लेलिस्ट पे है वो है दीदार. अच्छा, मुझे वो भी बहुत पसंद है. ऑफ कोर्स अमंग ऑल दी अदर सॉन्ग्स दैट यू हैव सांग एंड कंपोज्ड, रिसेंटली आपने एक एल्बम पे काम किया पागल. तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या अली नूर वाकई में पागल है? 100%. थैंक यू. अली नूर इज डेफिनेटली अ क्रेजी पर्सन, और उससे सब लोग बच के रहे. ये मेरी आपको बहुत बेहतरीन, लेकिन हम बच के तो नहीं रह सकते. अली नूर, प्लीज डोंट किल मी. नो, ही इज कमिंग ऑन द शो इंशाल्लाह. आई एम गोना इनवाइट हिम, क्योंकि मैं तो ऐसे लोगों की फैन हूं. गुड लक, गुड लक अली नूर. मे बी गुड लक टू हिम. के बारे में एक बात बताऊं, ही इज क्रेजी, बट ही इज क्रेजी लाइक नो वन एल्स. ही इज अ जीनियस. वाओ, माशाल्लाह, क्या बात है. और आपका जो एक्सपीरियंस था पागल पे काम करने का, उसके बारे में भी हमको बताएं, वो कैसा था? वो बहुत अच्छा था. हम लोग, कोरोना था नया नया, और सब लोग फुल घरों में रह के 10-10, 15-15 दिन फिर अली नूर के घर पे गए, बिकॉज अम्मा और अब्बा की एज भी थोड़ी सी है, एंड वी ट्राइंग टू बी सेफ. फिर हमने कहा कि यहीं पे रहेंगे 2-3 महीने और एल्बम को पूरा करेंगे. तो फिर हम लोग वहाँ रहे, एंड दे वर रियली हॉस्पिटेबल. आई जस्ट फेल्ट लाइक दैट आई वॉज होम, वेरी फैमिली फैमिली. उसमें लड़ाई झगड़े भी थे, अली नूर के एंटिक्स भी थे, अली नूर की तंग करना. काफ़ी बिग बॉस ही चल रहा था. बहुत बिग बॉस चल रहा था. तो आई स्टेड देयर एंड आई एडिट द वीडियो शूट भी किया. अलीना और मंदाना ने बहुत साथ दिया, फिर उनको एडिट किया. उसमें नोशू ने बहुत अच्छा उसके ऊपर ग्राफिक्स वगैरह का काम किया. एंड वियर्डली अली नूर उससे पहले मेरे इतने ख़ास दोस्त नहीं थे. वो जब साथ रहा हूँ मैं, तब अली नूर को रियलाइज़ हुआ कि यार ये आदमी कुछ और है, मैं इसको कुछ और समझ रहा था. एंड एट टाइम्स अली नूर ने मुझे कुछ बातें बताई जिससे मेरी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा. बिकॉज हम लोग अक्सर किस प्रॉब्लम के इतना करीब होते हैं कि हम असेस नहीं कर पाते कि उसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. तो जब मैं इंडस्ट्री में आया, मैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट हूँ जिस तरह मैं इंडस्ट्री में दिखता हूँ या जैसे मैं रहता हूँ. तो आई वॉज पोर्ट्रेइंग अ साइड ऑफ मी विच वॉज नॉट रियल. वो आज से 10-15 साल पहले तो चल सकती थी चीज़, अब के ज़माने में नहीं चलेगी, बिकॉज पीपल हैव बिकम वाइजर. तो देन आई वॉज लाइक, क्योंकि मेरे मैनेजर्स और ये सात लोग, नहीं यार तैयार हुआ करें, ये क्या करें, अगर दाढ़ी जल्दी सफ़ेद होगी तो उसको काला करना शुरू करते, बालों को रंग कराएं. मैंने, नहीं भाई नहीं होता, मैं ऐसे हूँ, मैं टूटी जूती पहनता हूँ, फटे हुए कपड़े पहनता हूँ, जो सामने आ जाती चीज़ खा लेता हूँ, चला जाता हूँ. दैट्स हु आई एम डीप डाउन. जो मैंने गाना लिखा ना बंजारा, मैं वो हूँ. अच्छा, that's who I am. Everybody should go and review that song, yes, to understand you better. And anything on your mind for future, as your fans, should we look up in the future ki kuch aa raha hai, anything you're working on? I'm working on a lot of stuff. Jaise pehle bataya tha, boss maine ek platform banaya for young talent to come and showcase their talents. And uske sath hamara Room Files ka season 3 chal raha hai jo abhi release hoga. And Konnichiwa ek naya show hai jo start kiya hai. इसमें लाइव सिंगिंग है. इफ़ एनीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, प्लीज़ अपने डेमोज भेजें. लेकिन प्लीज़
जो सीरियस सिंगर्स हैं वो नहीं जो अपने दोस्तों से सुन के यार मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, हर एक को जिस तरह माँ बाप को अपनी औलाद अच्छी लगती है, तो वो वाले लोग नहीं आए जिनमें वाकई टैलेंट है, जो उस चीज़ को आगे लेके चलना चाहते हैं, वो है बिकॉज हम लोग यहाँ बैठ के इंडस्ट्री को सर्व करना चाह रहे हैं, शौक़ पूरे करने नहीं आए लोगों के। जब हमारे पास इतना होगा कि हम शौक़ भी पूरा कर सकें तब वो भी कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री बढ़े, हमारा ओरिजिनल कॉन्टेंट आए, हमें नए लेजेंड्स मिले, नए स्टार्स मिले कि हम उनको देखें। हम लोग अब हमारे पुराने लोग तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं, जो बड़े बड़े लेजेंड्स थे वो जा चुके हैं, चंद एक गिनती के लोग रह गए, तो अब हमें नए लेजेंड्स की ज़रूरत है। तो प्लीज़ वो लोग आएँ जिनको वाकई हेल्प चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर, एंड आई थिंक मोस्ट डेफिनेटली आई वुड बी वर्किंग ऑन अ मूवी, तो उसका प्लान है। वो जो शूट की थी थोड़ी सी, उसमें से जो बच्चे हैं जिनकी मूछें आ गई हैं उनको निकाल के उन बच्चों को डालने जिनकी शेव करें, टेक्नोलॉजी नहीं ना, वो हाइट का क्या करूँ मैं, हाँ हाइट का क्या करूँ, उसके जो मनहूस हो गई शक्ल उनको मैं क्या करूँ, आई नो जब इतने थे तो इतने क्यूट थे, वो इतने हैं तो इतने मनहूस हैं। आई थिंक आप दिखा देना जिस स्टार प्लस में होता है कि वही कैरेक्टर फिर अब्बू भी होता है, अम्मी भी होता है, वो नहीं, नहीं, वो सारे जो कजन्स हैं वो एक ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। देखिए हमारे लोगों को ना अच्छे कंटेंट की जरूरत है जिससे उनके जहन की नशोनुमा हो। प्रॉब्लम ये आ गई है कि हमने उनको इतना डम कंटेंट दिखा दिया है, नागिन डांस और अजीबोगरीब बेहूदा बातें, सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पर और बेचने के नाम पर चुकते हैं चैनल्स में, और ये सारा कुछ कोई प्रोडक्टिव, जिस तरह मुझे याद भी मैंने रिसेंटली तन्हाइयां देखा, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाजवाब, ब्यूटीफुल, वन ऑफ माय फेवरेट वंस, आई सॉ इट व्हेन आई वाज 24, मैंने बहुत बाद में यूट्यूब पे ढूंढ के देखा क्योंकि मुझे लगा मेरा जो बचपन है ना वो इनकम्प्लीट था, दे ऑल टॉक अबाउट इट और मुझे वो बड़ा कूल एक सब्जेक्ट लगता था, आई नीड टू नो अबाउट इट। उसके बीच में हार्ट ब्रेक भी है, खुशी भी है, जीत भी है, हार भी, रिश्ते हैं, और उनका एक तरीका, एक तमीज़ है, तहजीब है, एक सलीका है, कोई ठाटा पटा ठाटा किची 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 हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मर्द बुरा नहीं है, औरत गंदी नहीं है, फलाना कुछ नहीं है, सब अच्छा है। सिर्फ ज़िंदगी दिखाई गई कि उनके वालदैन की डेथ हुई, फिर उन पर डाउनफॉल आया और एक ज़िंदगी थी जो कि जिससे रिलेट करना बहुत आसान है। अब हम लोगों को दिखा रहे हैं कि जी अगर आपने मशहूर होना है तो अब शर्त क्या आ गई कि जिसके नंबर ज़्यादा है वो मशहूर है, जी मेरे 1 मिलियन व्यूज़ हैं, 2 मिलियन व्यूज़ है, कंटेंट आप क्या फेंक रहे हो, आप वहाँ बेवकूफ़ाना तरीके से डांस कर रहे हो किसी के और के बनाए हुए गाने पे, हैं अच्छा तुमने ये कर लिए हैं, नो डोंट डू दिस, ये इसकी भी एक जगह है, आप कीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने उनके बारे में भी सोचिए, थोड़ा एज एन आर्टिस्ट ग्रो कीजिए। आप अगर अपने आप को आर्टिस्ट कहना चाहते हैं तो फिर आर्ट्स की बात कीजिए। आर्टिस्ट होना और स्टार होना दो अलग चीज़ें हैं। आर्टिस्ट कोई कोई बनेगा, स्टार कोई भी बन सकता है, स्टार बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने कुछ 4-5 ऊँट पिता करके तय करें, जो मार्केट को सामान चाहिए वैसा बना के देना शुरू कर दे, आज नहीं तो कल आप स्टार बन जाएंगे। आर्टिस्ट बनना एक डिफरेंट बात है, आर्टिस्ट की सोच होती है, उसका एक ओपिनियन होता है, एंड एवरीबडी हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, हो सकता है वो आपके ओपिनियन से क्लैश करे, बट आप उस पर डिस्कस कीजिए, लड़िए नहीं। सो एब्सोल्युटली, एंड बिफोर वी क्लोज आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क यू के यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, और एक क्रिएटिव इंसान हमेशा कहीं ना कहीं से अपनी इंस्पिरेशन ले रहा होता है, ठीक है, चाहे वो एक कमरे में दीवार के रंग से ले रहा हो। तो आपके चैनल्स क्या हैं टू गेट इंस्पिरेशन फॉर योर म्यूजिक एंड योर फिल्म मेकिंग? आई थिंक ये कैनवस बहुत बड़ा है, आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम एवरीथिंग। मैं दुनिया को जब ऑब्जर्व करता हूँ, किसी को देखता हूँ, तो मैं किसी भी चीज़ से इंस्पायर हो जाता हूँ। किसी कोने की लकीर एक होती है, यार ये कितनी अच्छी लगती है, उससे कोई सोच जहन में आ जाती है। उस दिन मैं गुलहरी को देख रहा था, तो गुलहरी जब मैंने देखी तो मुझे अचानक लगा यार ये ज़िंदगी भी ऐसी है कि कभी यहाँ से यूँ भागती है गुलहरी, वहाँ चली जाती है, फिर गुलहरी भागती है उधर चली जाती है, फिर अपने लिए नट्स इकट्ठे कर रही है, कभी ऊपर चढ़ती है कभी नीचे आ जाती है। फिर मुझे लगा ज़िंदगी गुलहरी सी है, तो मैं उस पर गाना लिख रहा हूँ, ज़िंदगी गुलहरी सी है। क्या बात है, तो किसी भी चीज़ से इंस्पायर हो सकते हैं, ये शर्त नहीं है कि हम लोगों ने सोचा हुआ है शायद इंसान को इंस्पिरेशन सिर्फ किताबों से बड़ी मुहज़्ज़ब और लोगों के बड़े लोगों की मानी हुई किताबों से मिलेगी, किसी बड़ी फिल्म से मिलेगी। जैसे मैंने पहले बताया किसी छोटी चीज़ से भी इंस्पिरेशन मिल सकती है, एंड विद मूवीज़ हाँ मैं बिल्कुल इंस्पायर होता हूँ, और किसी भी नए आर्टिस्ट के लिए इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी है। लोग सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल ओरिजिनल हूँगा, तो ओरिजिनल तो आई डोंट थिंक कि अब कुछ भी इतना रह गया, अनलेस कोई साइफाई को कीड़ा बना ले तो एक सेपरेट बात है, but it's okay to be inspired, it's even okay to copy because the
कहते ना द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी इज टू कॉपी समथिंग, है ना, और नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है. जैसा लोग कहते हैं यार उसने तो गाना बनाया यार, ओ यार ये तो कॉपी गाना है यार, यार ये तो उसने कॉपी करके कर दिया, ओरिजिनल थोड़ी है. मैंने मेरी जान तू बना ले कॉपी करके. मतलब मेरी इतनी बहस हुई लोगों के साथ कि आई थिंक प्रीतम के किसी एक गाने के ऊपर हुई. प्रीतम आई रियली लव दैट गाय एज अ म्यूजिक डायरेक्टर. उनके गाने मेट्रो फिल्म में बहुत लाजवाब थे. एंड इट्स ओके कि अगर कभी कोई इधर से इंस्पिरेशन आ गई या कॉपी कर लिया, इट्स ओके. वही कॉपी करके आप बना लें, आप उतना अच्छा गाना बनाएं, आपसे नहीं बनेगा. मैंने एक दो बार कॉपी करने की कोशिश की, मुझे समझ ही नहीं आई. वो नकल के लिए कहते हैं अकल की ज़रूरत है ना, तो नहीं समझ आई. तो हम लोग यहाँ पे ना सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने के लिए आ गए हैं, और जितना हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं उतना हम खुद पागल होना शुरू हो जाते हैं. क्रिटिसिज्म कम करें, अपने आप को नॉर्मल करें, ताकि आप अपनी मेंटल डिसेबिलिटीज, हमें अक्सर नहीं मालूम होता हमें क्या मेंटल डिसेबिलिटी है. तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मुझे बाद में जाकर पता चला मैं तो क्लिनिकली डिप्रेस्ड हूँ. क्योंकि कोई नॉर्मल आदमी इस तरह से अपने ऊपर नहीं करेगा जो मैंने किया. तो मैंने उसको एड्रेस किया, उसको माना, फिर मैंने उस पर वर्कआउट करना शुरू किया, एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर फाइन. अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी. यस, चीज़ों में कुछ वॉइड्स हैं, कुछ चीज़ें नामुकम्मल हैं, बट इट्स ओके. उनका अपना एक टाइम है, अपनी जर्नी है. पूरी होनी होगी, हो जाएगी. नहीं होनी होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ. मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डू एनी थिंग. लोग जब ये सोचना छोड़ देंगे ना कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ, सुकून में आ जाएंगे. हम जो कर सकते हैं वो ये कि अपना कदम उठाएं, सही रास्ते की तरफ चलें. अब वो मंजिल कितनी दूर है, करीब है, किसी के लिए जल्दी है, किसी के लिए बाद में है, वो अल्लाह डिसाइड करेगा. दैट इज़ अ वेरी गुड नोट. एंड एज वी आर मूविंग टू द क्लोजिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट, विच आई डोंट वॉन्ट टू एट ऑल, अभी तो लग रहा था आइस ब्रेकिंग हुई है ना, इतना टाइम लगे आइस ब्रेक करने में. लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमारे लिए गाएं भी, यू नो, एनी सॉन्ग. प्लीज. बेचैनियां हैं, सांसें रुकी हैं, तन्हाइयों में तेरी कमी है, आंखों में आंसू थमते नहीं है. कैसे है ये पल कटते नहीं है, दर्द तन्हाई में, दर्द तन्हाई में, दर्द तन्हाई में, दर्द तन्हाई में. ऐसे भी हम जिएंगे कभी सोचा ही नहीं, जो सपने टूट जाएं वो जुड़ते फिर नहीं. डसती है यादों की परछाइयां तेरी, आवारा इस दिल की कोई मंजिल ही नहीं. साहिल से ये लहरें क्यों होती है जुदा, आंखों के ये आंसू तुझे देते हैं सदा. दर्द तन्हाई में, दर्द तन्हाई में, दर्द Wow, this was a treat. Thank you so much. गिटार का थोड़ा मसला आ रहा था. Not at all. लेकिन सिंगर हमारा बिल्कुल फिट था.
So guitar jo marzi kare, I have loved his performance. Thank you so much for taking out time for me, my audience. I'm so happy today. MashaAllah, this conversation has been so enriching for me. And aapko shayad pata nahi chala, lekin maine bhi na apne pointers nikal liye hain. And somewhere they will change my life as well. So thank you so much. Thank you for having me. I don't know. I hope that I made a difference. Hope. Likh ke deti hu, you've made a difference. Yes. Thank you so much. And stay the person that you are. Please keep your heart open, because the right one is just right the corner. And you will find her, she will find you. We want to see you happy, glowing, growing. Alhamdulillah, happy. What will happen, Allah ke haath mein, Allah pe chhod diya. Bilkul, and Allah wants the best for you. That we know, absolutely. Thank you so much and best of luck for everything. We will be sharing your links with our audiences, or jo bhi aap kaam kare, we'll be looking forward. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone.